जय गोपी वल्लभ जय गिरिवरधारि जय गिरिवरधारे जय गोपी जनमभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवर धारी यशोदानन्दन यशोदानन्दन यशोदानन्दना व्रजनरञ्जन यमुना व्रजनरञ्जन चारे तीरावनचारेवुना अमुनतिरावनचारि जय राधा माधव जय कुञ्जवेहारि हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राधा वृंदावन चंद्र राधा वृंदावन चंद्र राधे जय प्रभु पदा जय प्रभु पद प्रभु पदा शिल प्रभु पा

रूप कदा मह्यम ददतीशोपदाक वंदे अहम श्रीगुरुश्रीयुतपकमल श्रीगुरोन वैष्णवास् श्रीप्र जा सह गणरघुनाथ सजीव साइत सवधूत पिजन सहित कृष्ण कृष्ण चैतन्य देवम् कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादानुसहगणललितां श्रीविशाखानित्वंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त नितिनामिने नमस्ते देवे गौरवाणी प्रचारिणे प्रचारिणि निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यधीशतारिणी हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगतपते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तु ते तप्तकञ्चनगौराङ्गिराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो 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 महाबदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने से नम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो निनंद गौर भक्त गौरभक्तबृंद हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে হ নমো ভগবতে নো ভগবাসুদবায় নমো ভগবতে নমো ভগবতে বা श्रील प्रभुपा जी की महति कृपा से सभी गुरुवर्ग आचार्य वर्ग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जी की कृपा से हम लोग सुन रहे थे शरणागति की भेद उनका लक्षण का महिमा जो शरणागति का जो भाव है कायिक और बच्ची की और मानसिक इस शरीर ठाकुर जी को अर्पण करना है जब इस तन्वित मोद तद आश्रय जो कल हम श्लोक सुन रहे थे ना भगवान के धाम में रहना है मंदिर में रहना है भगवान के पास रहना का मतलब इस शरीर से भगवान का सेवा करना है इस शरणागत का एक अंग है भगवान के पास पड़े रहना इसका मतलब ही सेवा करना है। और मन में यह रखना चाहिए मैं ठाकुर जी का। मैं भगवान का और वचन में सब बोलना चाहिए ये बाचिक कर मानसिक ये तीनों बुद्धिम विदि विद्वी शरणापति लक्षणम बाचा राधा तनुआ भी कृष्णे का कृष्णे का श्रयणम ही काई की बाचिक का का मानसिक सनातन को समय बोल रहे हैं कि कृष्ण का एकांत शरण लेना चाहिए एक आश्रय है भगवत गीता में बारंबार शुद्ध भक्ति का जो प्रसंग आता है चाहे गीता में हो भागवत में हो एकांत शब्द लगता है अनन्य शब्द लगता है भक्ति में कभी आप नहीं देख सकते हैं गीता भागवत में श्री भक्ति ठाकुर जी कहां बोले हैं अनन्या भक्ति शुद्ध भक्ति हर समय निष्काम भक्ति शरणागति का ये तीन जो विभाग है तीनों कर कायिक वाचिक और मानसिक इसका यही लक्षण है कि कृष्ण आश्रय भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल में आश्रय लेना चाहिए किस आश्रय लेना चाहिए एकांत से तब तक नाम विस्फूरण नहीं होता है नाम नाम प्रभु जी हम नामाभास तक पहुंचना भी मुश्किल हो जाएगा अगर एकांति नहीं होते हैं एकांति नहीं होती तब तो प्रारब्ध नहीं जाता ये है ये भक्तिम ठाकुर का सिद्धांत है प्रारब्ध जो विनाश होता है नाम पर आ जाते हम जब नामभा प्रारब्ध विनाश हो जाता है तो इसलिए एकांति होना चाहिए एकांत आश्रय नाम का एकांत आश्रय शरणागति वजन का प्राण है सबसे नाम नाम जब हम ग्रहण करते हैं ना नाम रुचि का शरण जाते हैं भगवान की जैसे अर्चन सेवा करते हैं ना भगवान की शरण जाते हैं शरणागति अंग को पकड़कर हम सब कुछ करना है ये सनातन गोस्वामी का मत है इस शरणागति का भाव ये ही है गोविंद परमानंदम मुकुंदम मधुसूदनम हरिभक्त विलास में लिखे तेकता अन्य तेकता अन्य वही न जाना न भवामी न नमामी न चौस्त न चस्तौमी न पश्या स्वचक्षुष न स्पृहा न गाया न बाजा हरिंग बिना मैं हरि की सिवा ये गोविंद परमानंद मुकुंद मधुसूदन ये नाम को छोड़कर मैं दूसरा किसी भी नाम गान नहीं करूंगा इसको एकांत आश्रय बोलते शरणागत है गोविंद परमानंद मुकुंद मधुसूदन तेकता अन्यम तेकता अन्य वही न जाना मैं निश्चित भाव से दूसरा कुछ मुझे पता नहीं मैं सिर्फ मुझे यही नाम पता है ना भजामी ना स्मरा मैं कुछ भी भजन नहीं करूंगा कुछ भी स्मरण नहीं करूंगा हम हमारा महामंत्र है तो बस महामंत्र है एकांति इसको बोलते एकांति जनेर आर प्रारब्ध अप्रब्ध किचु ना ही थके बेदे बोल बेदे गाय बारो बार भक्तिमा ठाकुर बोल रहे हैं वेद बार बार ये बोल रहे हैं तुम एकांति बन जाओ प्रारब्ध और अप्रारब्ध पिछले जन्म का कर्म का फल और ये आ, अप्रारब्ध जो हम भोगे नहीं है कर्म किए हैं दोनों चला जाता है था एकांति होना चाहिए एकांति का मतलब यही है नाम प्रभु जी सर्वस्व है उनका शरण लेकर मैं भगवान का नाम ले रहा हूं अलग ट्वेंटी टू थर्टी टू ठीक है ठीक है लिख लिया लिख लिया लिख लिया मैं भूल शायद भूल गया ऐसा नहीं थर्टी टू थर्टी थ्री शायद हो सकता है ठीक है कुछ भी हो आम, भी लगेगा शरणी में बिलचियों माया मैं कभी छूटती नहीं है ये तो ठाकुर जी का पीछे रहती है लेकिन जीव का आगे रहती है भगवान का पीछे जीव का आगे भगवान का, का, का सामने नहीं जा सकती माया लेकिन हमारा आगे माया है आगे मतलब हमारा बुद्धि हमारा कॉन्शियसनेस जो चेतना स्तर को बिल्कुल कवर करके रखी कितना जन्म का बाद भी कोई ठाकुर जी का शरण नहीं लेते हैं ना कभी भी माया से छुटकार इसीलिए ठाकुर जी ने मा में बजे प्रपद्यंते माया में तम प्रपद्यंते मां मेरा ही शरण जाना चाहिए शरणगति का भावी एकांत गोविंद परमानंद मुकुंद मधुसूदन तेता अन्य न भजामी न स्मरा दूसरे किसको भी स्मरण नहीं करूंगा तो इसका एक सिद्धांत आ जाता है कभी कभी भक्त लोग पूछ लेते हैं जैसे हम देखें नंद महाराज ब्रजवासी लोग कभी कभी विष्णु का भी भजन किए हैं देखो ना कभी देवता कभी कभी देवता लोग की पूजा करते थे उपासना करते थे इसका सिद्धांत मिलता नहीं भागवत से सिद्धांत का विरुद्ध हो जाता है कभी कभी बड़े बड़े प्रेमिक लोग भी देवांतर भजन कर लेते हैं आश्रय ले जाते हैं नहीं तो अवतार अंतर मतलब कृष्ण को भोजन करना चाहिए फिर दूसरे भगवान का शरण ले जाते हैं। जैसे नंद महाराज ने नंद महाराज में नरसिंह देव का पूजा करते थे बराह देव का पूजा करते अभी है ना नंदगांव में नंदगांव है नंद महाराज पूजा करते थे भीतर है गांव का भीतर है तो क्यों पूजा करते थे तो आजकल कोई युक्ति करेंगे आप क्यों मना करते हैं क्या सिद्धांत है वो प्रेम वो प्रेम प्राप्ति के लिए नहीं कर रहे हैं वो प्रेम प्राप्ति हो चुके हैं लेकिन ये प्रेम का वैचित्रता है ये प्रेम का वैचित्रता है वो इतना वो डर डरते थे क्या हो जाएगा कान्हा को इतना लोग आ रहे हैं ना मुझे देव को पूजा करना चाहिए कृष्ण के लिए पूजा कर रहे हैं हम के, हम किसके लिए पूजा कर रहे हैं वो कृष्ण के लिए नरसिंह देव का पूजा कर रहा था ये प्रेम का वैचित्रता है आशंका रहता है जिन, जहां प्रेम होता है इसमें डरपन रहता है कृष्ण कुछ हो जाएगा इसलिए कोई कभी कभी गवेश्वर महादेव को पूजा करते थे कभी बराहदेव को कभी नरसिंह देव को तो हम जो पूजा कर रहे किसके लिए पूजा कर रहे हैं हमारा हमारा डर शरणागत नहीं है इसीलिए हम पूजा कर रहे हैं हमारा शरणागत नहीं है तो कभी इसको कंपेयर नहीं करना चाहिए तो लोग पूजा करते हैं मैं तो पूजा करूंगा क्या गलती है नहीं हमारा शरणागत भाव नहीं है उन लोगों का पूजा का जो भाव है सेवा का जो भाव है वो अलग है प्रेम उन लोगों का संपत्ति है उनका मिनिमम स्टैंडर्ड प्रेम <laughs> देख लीजिए वो प्रेम स्तर पर कुछ भी करते हैं ना जैसे गोपी लोग का प्रेम भाव है मिनिमम स्टैंडर्ड तो गोपीश्वर महादेव का पूजा करेंगे तो कोई दोष नहीं लगेगा तुम शिव जी का पूजा करो तुम्हारा प्रेम तो नहीं है अगर काम भी नहीं है ना फिर काम आ जाएगा काम मतलब भोग नहीं है काम ना तुम शिवजी को पूजा करो ना फिर शिवजी को पूजा करते समय तुम्हारा याद आ जाएगा शिव जी इतना बर देते थे मुझे ही मांगने ना चाहिए हम कामी जीव है ना देखो पूर्वाचार्य ने जैसे भक्ति से दान ससुर ठाकुर ने अडोप्ट किए थे जैसे शिव जी का पूजा लेकिन रूपा जी आए ना बिल्कुल बंद कर दिए

हम लोग क्या क्या बोलते हैं सहजिया बोलते हैं ना समझ सहजिया पता है ना जो प्रिंसिपल को डाइवर्ट करते हैं उसको सहजिया बोलते हैं और हम अलग टाइप अलग टाइप का सहजिया है समझते हो ना जैसे लाइन में सब लोग खड़ा है कोई कोई चालाक आदमी होते हैं ना वो सोचते कैसे लाइन को क्रॉस करके गाड़ी जाम में देखे हो ना सब गाड़ी खड़ा है वो आगे कैसे कैसे होकर आगे चला जाता है आजकल हम लोग ऐसे साधन भजन ज्यादा नहीं करना है सेवा गुरु सेवा कुछ नहीं करना है कहां शॉर्टकट हुए हैं चलो इधर घुस जाओ मुझे प्रेम प्राप्ति करना है ये हम लोग का आदत है इधर तो यह नहीं चलता है हमको वही पथ पर आपको जाना पड़ेगा इसे एकांति होना चाहिए गोविंदम परमानंदम मुकुंदम मधुसूदनम दुण त्यक्तान्य त्यक्ता अन्य वही न जाना न स्मरा न भजामी मैं किसका भजन नहीं करूंगा किसका स्मरण नहीं करूंगा शरणगत कांग नमा न चस्तोवी <laughs> मैं प्रणाम भी नहीं करूंगा ऐसे तो हमारा संभव नहीं हम तो प्रणाम करते हैं, मानन करते हमारा अपराध हो जाएगा लेकिन वो इतना निष्ठा स्तर पर थे ये बोल रहे हैं। न पश्यामी सोच अख्युशा दर्शन भी नहीं करूंगा न स्पृहामी, कोई स्पृहा नहीं करूंगा न गाया जामिंग उनका पास में भी नहीं जाऊंगा सुनिष्ठा बोलते ये भजन का भी अनुकूल अंग में लगेगा कहां लगेगा भक्ति स्थान तीर्थ ना मनी जहां गोरांग महाप्रभु नहीं गए है ना वो तीर्थ नहीं वो तीर्थ नहीं है क्या है मेरे लिए तीर्थ नहीं जहां महाप्रभु नहीं गए मैं नहीं जाऊंगा और भजन का अनुकूल अंग में यही लगेगा गौर आमार जिस अवस्थान भ्रमिला कीर्तन रंगे से स्थान हेरी वामी ये भजन अनुकूल अंग में लगेगा इसको ऐकांतिक आए, भाव बोलते हैं शरणागत की ऐकांतिक अंग तो शरणागत शरणागति का जो भाव है इसको आचार्य ने जैसा सड़ंग शरणागति हई बे जहार तहार प्रार्थना सुने श्रीनंद कुमार इसको सड़ंग बोले हैं और जीव गोस्वामी इसको लक्षण लिखे हैं सना कोई कोई आचार्य ने अनुकूल कहा लिखे हैं? हाँ केचित आहुश्च शरणागत सड़ प्रकार सनातन बोल रहे हैं कही कही कोई कोई बोलते हैं इस कोई कोई बोलते हैं आहुष्य शरणागतत्व सड़ प्रकार इस शरणागति छह प्रकार के होता है लेकिन जीव गोस्वामी का मत ये बोलते जीव गोस्वामी लक्षणम जो भी हो चाहे प्रकार हो चाहे लक्षण हो लेकिन प्राय तो लक्षण में प्रकट होते हैं प्रकार भी होते हैं वेराइटीज और ये लक्षण से पता चलता है कि वो शरणागत है पहले क्या है अनुकूल संकल्प तो अनुकूल से संभव मतलब क्या है जो अनुकूल है उनको स्वीकार जो अनुकूल है आपको कैसा पता चलेगा अरे मन जब बोलता है ये अनुकूल है मन बोलता है ये अनुकूल है मान लेते हैं मन बोलता है प्रतिकूल है थोड़े हम हमको पता है भजन का अनुकूल क्या है भजन का जिनका भजन का रुचि नहीं है जीवन में भजन मेरा लक्ष्य है ये मेरा सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य है जो स्तर पर नहीं है ना उनका कोई अधिकार नहीं अनुकूल क्या है प्रतिकूल क्या है उसको सोचना क्योंकि ये मन का बात है अभी तक तो माइंड प्लेटफॉर्म में हो तुम्हारा अनुकूल क्या है प्रतिकूल क्या है भजन तुम्हारा लक्ष्य है क्या तुमको कोई परेशानी हो रहा है इसलिए बोल रहे इधर अनुकूल नहीं है मन नहीं मानता है इसलिए मन जब नहीं मानता भजन नहीं होता तब तो हम सोचते अनुकूल नहीं है जहां मन मान लेता है थोड़ा ही भजन करते ना ये भजन नहीं है फिर मान लेते हैं मेरा भजन हो रहा है तो मन की तरफ आचार्य लोग बिल्कुल पकड़ पकड़ लिखे तुम्हारा अधिकार तब तक नहीं है जब तक अनुकूल क्या है प्रतिकूल क्या है जब तक भजन मेरा जीवन का लक्ष्य है सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य है इसका ऊपर कुछ भी काम नहीं है जब तक ये भावना तुम्हारा नहीं है तब तक तुम मन का अधीन में हो क्योंकि इसका प्रमाण देखिए शुद्ध भक्त का पास से रहने वाले लोग भी छोड़ देते कि नहीं क्यों छोड़ते उधर प्रतिकूल है क्या प्रहलाद महाराज क्यों नहीं छोड़े प्रहलाद महाराज का क्या फेवरेबल फे, फेवरे था बोलो कौन सा पिता संगी उधर कीर्तन चल रहा था भगवत कथा डेटी साधसंग फिर अनुकूल क्या प्रतिकूल क्या मुझे बताए गुरु जी को स्मरण करते थे तुम ऐसा करो वो तो गर्भ से जो सुना था उसको स्मरण कर रहा था तुम तो उम्र हो गया बीस साल का हो गए हो फिर कान में भी सुन रहे हो खाते हो पीते हो आजकल देखो सब समय ईयरफोन है सब तो सुनते हो छोड़ते क्यों हम नहीं बुद्ध जीव का अधिकार नहीं होता है उनका अधिकार नहीं है मोस्टली माइंड प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं अभी इसीलिए सोच था ये अनुकूल है ये प्रतिकूल है और ज्यादा देखो अनुकूल से संकल्प जितना नहीं होता है प्रतिकूल से वर्जनम इस स्टेप पर हम ज्यादा फोकस करते हैं प्रतिकूल से वर्जन जीवन भर यही चिंता रहता है ये प्रतिकूल है ये प्रतिकूल है ये प्रतिकूल है सही है या नहीं जहां भी जाते हैं ना बोलते है, इधर ये नेगेटिव है ये नेगेटिव है देखो जहां बिल्कुल सब पॉजिटिव है उसको भी आपको छोड़ देंगे आप, आप बोलेंगे क्या अभी तो कोई भजन का प्रतिकूल नहीं है करो नहीं इसीलिए हमारा अधिकार नहीं है जब तब तक हम अनुकूल से संकलन क्या है प्रतिकूल से वर्जन क्या है उसको पता नहीं चलेगा कब तक नहीं चलता है शरणागति जब तक तुम शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकुला समझ रहे हो ना भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार मूल जब तक शुद्ध भक्त का चरण कमल तुम्हारा जीवन का लक्ष्य नहीं हुआ है अभी तक तुम मन के हिसाब से कभी अनुकूल सोचेंगे कभी प्रतिकूल सोचेंगे सेवा जब भक्त को प्रसन्न करना भक्तों का सेवा करना ये जीवन का लक्ष्य बन जाता है तब उनका सेवा में जो बाधक है वो प्रतिकूल है गुरु की सेवा में गुरु जी का भजन में गुरु जी का, का उपदेश में जो प्रतिकूल है उनको सुख के लिए हमारा सुख के लिए नहीं उनका समझ रहे हो ना हमारे सुख के लिए नहीं गुरु जी का सुख के लिए ठाकुर जी का सुख के लिए जो बाधक है वो प्रतिकूल है अभी क्या होता है हमारे स्तर पर क्या होता है हमारा भजन में जो बाधक है उसको हम प्रतिकूल सोचते हैं और भजन हमारा लक्ष्य भी नहीं है ये भी लक्ष्य नहीं फिक्स अब तक नहीं हुआ है बिल्कुल मैं शुद्ध भजन करूंगा और मेरे जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है कोई डिमांड नहीं है ऐसा नहीं है इसलिए अनुकूल प्रतिकूल हम नहीं कर सकते हैं। शुद्ध बकत चरण रेणु भजन ये इंपोर्टेंट है सबसे अनुकूल से संकल्प इसमें देख लीजिए क्या क्या अनुकूल वो भजन में है देखो क्या क्या अनुकूल है तुलसी देखी जुड़ाए प्राण माधव जानी देखो गंगा तुलसी महाप्रसाद महिमा देखो और अंतिम पद में क्या लिखे भक्ति ठाकुर भक्ति विनोद कृष्ण भजन अनुकूल पाए जहा प्रति दिवस परम आनंदे स्वीकार करेता आनंद से जो भी ठाकुर जी आप दे देते हैं ना मैं स्वीकार करता हूं इसका स्टैंडर्ड क्या है शुद्ध वकतर ऋणु जब तक शुद्ध वकत चरण ऋणु गुरु जी को प्रसन्न करना ठाकुर जी को प्रसन्न करना जीवन का लक्ष्य नहीं हुआ है तब तक हमारे जीवन में हर समय स्ट्रगलिंग चलता है प्रतिकूल से वर्जन जीवन भर चिंता ही होता है ये प्रतिकूल है ये प्रतिकूल ये मायावादी जैसे क्या बोलते हैं नेति 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 हम लोग कैसे जहां जाते हैं इधर ये प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम है ये ध्रुव महाराज की बात ए प्रहलाद महाराज की बात क्या अनुकूल थे बोलो सब प्रतिकूल थे लेकिन प्रतिकूल में उनका स्मरण हो रहा था क्या गुरु जी का वाक्य तो सोच रहा था ये प्रतिकूल नहीं है क्योंकि अभी तो गुरु जी का वाक्य मुनि का वाक्य मेरा स्मरण हो रहा है ना तब तो होता है ये अनुकूल से संकल्पम देखो अ, अ, अगर कोई प्रश्न करेगा नहीं अनुकूल से संकल्प हम बोल रहे हैं सही है ये बात तब अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से जन्म कौन स्तर पर करना चाहिए किसी स्तर पर जाने के बाद इसको करना चाहिए एक स्टेज होना चाहिए जिसमें हम डिसाइड करेंगे और ये अनुकूल है ये प्रतिकूल है ये कौन सा स्तर है जीव गोस्वामी मिले रचना की हाँ भक्ति शामु टू थर्टी सॉरी भक्ति संदर्भ टू थर्टी सिक्स अंगांगी भेद है ना और अंगी शरणी जो है ना एक अंग होता है और अंगी ट्रंक ब्रांचेस जैसे ट्री का होता है ना क्या बोलते हैं हिंदी में आ, उसका शाखा होता है जब तक गपतुते वर्णम इसमें लिखे तब तक वर्णम एवं अंगी और ट्रंक है इसे शाखा निकलता है, देखो ना जी पेड़, पेड़ इतना बड़ा होता है उससे शाखा निकलता है शाखा किसका पर है ट्रंक का पर वो अकेला टिक नहीं सकता है सड़ंगा शरण गति में जितना अंग है इसमें अंगी कौन है गपतुति वर्णम अन्य अन तो अंगानी तत्परिकर और जितना अंग रहे पांच अंग रहे वो क्या उनका अंग ब्रांचेस तो अनुकूल से संकल्पम प्रतिकूल से ये डिसाइड करने वाले कौन है जिनका स्टेज गोप वर्णम इसे पहले इस सब हमारा मन का भ्रम है इसलिए कोई भी भक्त कहां भी जाए वो सुखी नहीं रहता है सब बोलते इधर थोड़ा प्रॉब्लम पुणे में ये प्रॉब्लम है भुवनेश्वर में ये प्रॉब्लम है मुंबई में ये प्रॉब्लम है अरे भजन का प्रॉब्लम है या मन का प्रॉब्लम है किसका प्रॉब्लम हो रहा है गुरु सेवा गुरु से गुरु जी का सुख में प्रॉब्लम हो रहा है या हमारा सुख में प्रॉब्लम हो रहा है हम भजन का प्रॉब्लम कभी नहीं सोचे हम सोच रहे मेरा प्रॉब्लम हो रहा है हम कभी नहीं सोचे हैं मेरा गुरु जी की सेवा ठाकुर जी की सेवा में सुख का ये बाधक है क्या ऐसा कभी नहीं सोचे इसीलिए भजन अनुकूल से संकल्पम प्रतिकूल से वर्जनम नहीं ये सब मन का धर्म है हम तो खुद डिसाइड करते हैं समझ रहे हो ना इसमें ठाकुर जी का सुख मैं जो सेवा कर रहा हूं इसमें ठाकुर जी का सुख हो रहा है ये कभी हम सोचे हैं अगर मैं इधर चला जाऊंगा तो ठाकुर जी कितना दुखी हो जाएंगे मेरा सुख नहीं हो रहा है मैं चला जाऊंगा गपतरुत्वर्णम जिसका गपतुरु त्रणम नहीं है वो कहां भी जाए उनको सिर्फ एक में स्ट्रगलिंग करना पड़ता है क्या प्रतिकूल से वर्जनम प्रतिकूल जीवन चला जाता है ये प्रतिकूल है ये प्रतिकूल है ये प्रतिकूल है संकल्प इसको जो एक्सेप्ट कर लेते हैं ना शुद्ध भक्त चरण रेणु जो एक्सेप्ट कर लेते हैं ना उनको प्रतिकूल से हो जाता है जो अनुकूल से संकल्प वर्ण नहीं किए शुद्ध भक्ति शुद्ध भक्त और भगवान को स्वीकार नहीं किए वो जीवन भर सिर्फ प्रतिकूल से वर्जन प्रतिकूल से वर्जनम स्ट्रगलिंग करता यही हमारे साथ हो रहा है और गुप्त वर्णम क्या है गुप्त वर्णम कृष्ण इज मै मेंटेनर एंड ऑल्सो प्रोटेक्टर दोनों लगेगा कृष्ण मेरा भरण पोषण सब कुछ करेंगे ये विश्वास जब हो जाता है ना किसी भी स्तर पर भक्त रह सकता है यह विश्वास प्रहलाद महाराज का था इसीलिए तो असुर का बिच कर भजन करते थे आ हिरण्यकोशी को डर यही था इतना छोटा बच्चा है मैं इतना मारने के लिए इतना प्रयास कर रहा हूं ना तो अंतर में कोई भय आता है ना ये घर छोड़ता है ना भजन छोड़ता है देखो कुछ छोड़ने वाले नहीं पकड़ने वाले हैं नहीं भजन छोड़ते थे नहीं डरते थे और क्या नहीं करते थे बस यही कारण गपतृत वर्णन ये इंपोर्टेंट स्टेज नहीं है ना जीवन भर डरपन रहता है सिर्फ चिंता मन में यही चिंता रहता है प्रतिकूल से वर्जन ये मेरा प्रतिकूल है ये मेरा प्रतिकूल है नहीं अनुकूल से संकल्प पहले वर्ण करना चाहिए और ये सुर होता है गुरु चरण में गुरुवानुगत्य नहीं है गुरुवाश्रय नहीं है गुरुभक्ति नहीं है आचार्य उपासना नहीं है तो अनुकूल से संकल्प क्या आपको पता नहीं चलेगा ये सब माइंड का काम है और जीवन भर यही संग्राम चलता रहेगा प्रतिकूल से प्रतिकूल से ये प्रतिकूल हो रहा है ये प्रतिकूल हो रहा है कहां जाएंगे इसलिए सबसे इंपोर्टेंट क्या है गोपत्र वर्णम ये अंगी है और इस जितना पांच है वो अंग है गुप्तुते वर्णम देखो गुप्तुते वर्णम से पहले मन का साथ लड़ाई होता है भजन क्या है हम लोग का भजन है थोड़ा लड़ाई करते करते मर जाते हैं हम तुम जब जब ज्यादा लड़ाई हो जाता थक जाते हैं ना आदमी हम भजन करके नहीं थके हैं भजन करने वाले थकते नहीं है लड़ाई करने वाले थक जाते मरा लड़ाई हो रहा है माइंड का साथ लड़ाई होते होते तो हरे कृष्ण हरे कृष्ण बोलते हैं माइंड के साथ चलता है हरे कृष्ण थक गया है अभी माइंड माइंड के साथ लड़ाई करते करते हम <laughs> थक गए हैं क्योंकि गुप्तत्व वर्णम नहीं है देखो अनुकूल से संकलन प्रतिकूल से वर्जन जब गुप्तत्व वर्णन हो जाता है ना तो लड़ाई नहीं होता है तो मन सोचता है ना तुमको कौन प्रोटेक्शन देगा इसमें यह प्रॉब्लम है इसमें वो प्रॉब्लम है इसमें कौन स्टेप आएगा गुप्त वर्णम मन को बोल देना है मेरा रक्षक कौन है तुम सोच रहे हो तुम दर्पण है तुम भक्ति नहीं मिलेगा है कौन रक्षक कृष्ण पालक कौन है तुम्हें तो रक्षक आर पालक अमार तुम्हार चरण बिना आशा नहीं यार भक्ति दिन किंचन तुम्हारे इच्छा रहता जन्म मरण कहा सिद्धांत आपको मिलेगा ठाकुर जी को सिद्धांत छोड़ देंगे इसीलिए आचार लोग बोले सेवंथ गोस्वामी अरे हम तो सिक्स गोस्वामी मानते उनको गोस्वामी गोस्वामी क्यों बोले सिक्स आए थे एक काल में एक टाइम में ना आफ्टर थ्री सेवंथ गोस्वामी क्यों बोले गए गोस्वामी लोग का जो सिद्धांत है उसको जीव का सामने लाकर बिल्कुल रख ली जिस्ट है देखो पकड़ना है तुम पकड़ लो और सबसे बड़ा अवधान भक्ति ठाकुर का ही है जीव तत्व भक्ति तत्व माया तत्व और शरणागति का जो तत्व है उसको खोल दिया जीविका सामने इधर उधर भटकना नहीं पड़ता है तो शास्त्र इतना बड़ा शास्त्र का जो मर्म है बहुत गंभीर है कहां आप जानते हैं ना कोई भी दिशा भी कोई ले जा सकता है कोई किसी भी दिशा में ले जा सकता है कोई प्रिचर है ना वो घुमा सकता है इधर उधर इधर उधर लेकिन सिद्धांत घुमा नहीं सकते हो अगर तुमको में ठाकुर जी का सिद्धांत पता है चैतन चैतन का सिद्धांत पता है घूम फिराकर कहां आएंगे ना तुम वही पर आ जाएंगे उनका सिद्धांत आ जाएंगे गपतृत्व क्या है सरल बात है आपका इच्छा से मेरा जन्म है आपका इच्छा से मेरा मरण है मेरा कोई स्वतंत्रता नहीं भक्ति विनोद अति दिन मैं अति दिन हूं और अकिन हूं तुम्हारा इच्छा है मेरा जन्म मरण ये भाव गपत तो पाले बे मोरे निज दास जानी तुम्हारे सेवाए प्रभु बड़ा सुख मानी मैं बहुत सुख में हूं ठाकुर जी आपकी सेवा जब करता ना बहुत सुख क्यों आप इतना में है बहुत सुख मिलता है जब आपका सेवा करता मुझे बहुत सुख मिलता है और मेरा विश्वास भी है आप मुझे पालन करेंगे दास जी सा स्टेज नहीं है ना बहुत खतरनाक है बहुत खतरनाक है आप मेरा रख के आप मेरा जैसा बिलापक में उस श्लोक है ना इस शरणगति का भाव लेकर गुप्त भरण का भाव लेकर वो बोल तवासमी तवे न जीबामी तो आम बिना राधिके को प्रार्थना कर रहे हैं ना तुम्हारे बिना राधारण में नहीं जी सकता हूं नहीं जी सकता हूं रघुनाथ ऐसे तो ही प्रार्थना की आप मुझे स्वीकार कीजिए आप मुझे स्वीकार कीजिए शरणगति का भाव है गुप्त वरण का भाव है भजन का जो स्टैंडर्ड है ये तो मिनिमम स्टैंडर्ड होना चाहिए बहुत दिन भजन करने के बाद ये बात पता नहीं है ना इसीलिए तो हमारा विश्वास नहीं हो रहा है ना तो आचार्य ऊपर विश्वास होता है ना का प्रसिजुअर विश्वास होता है ना महामंत्र का ऊपर विश्वास होता है सिर्फ एक स्ट्रगलिंग चलता है प्रतिकूल से बरजाना नहीं होता अरे कौन सा संगीत लगे इसमें गुप्त वर्णम में गृत व्रण का भाव क्या है निजर पोषण कभ ना चिंत रही बे भकती विनोद तुम्हारे पालक बोलिया वरण कर सर्वस्व तुम्हारे चरण संपिया पड़े तोमार घरे तुम्हें तो ठाकुर तुम्हार कुकुर बोलिया जानो हो मोरे ये भाव नहीं होता तो कुछ भी नहीं होगा बस तुम्हारे पंडित हो तुम गृहस्थ हो ब्रह्मचारी हो कोई भी हो तुम्हारा पोजिशन यही है सेफ एंड सिक्योर बोलते ना अंग्रेजी में ये पोजिशन तुम चाहे ब्रह्मचारी बनो गृहस्थ बनो ये भक्ति का जीवन है भक्ति का जीवन यही है तुम रक्षक हो तुम ही तो रक्षक तो पालक आप मेरा रक्षक है आप मेरा पालक है अगर ठाकुर बोलेंगे ठाकुर बोलेंगे अगर तुम तुम मुझे सोच रहे हो मैं रक्षक हूं पालक हूं तुम्हारा क्या क्वालिफिकेशन है तुम्हारा योग्यता क्या है मेरा योग्यता ही है सर्वस्व तुम्हार चरण संप्या पड़े छे मैं सब कुछ छोड़कर आपका चरण में कमने पड़ा मुझे कुछ मेरा कुछ नहीं अभी कैसे पड़े हो तुम ठाकुर हो कुत्ता कुत्ता का क्या है कुत्ता का जो पांच गुण है सड, सड़ते स्वाना, शिक्षित छह गुण है इसमें सबसे बड़ा गुण स्वामी भक्त स्वामी भक्त सड़ते स्वान शिक्ष छह चीज कुत्ता से सीखना चाहिए इसे सबसे बड़ा क्या है हम किसका भक्त है किसका नहीं तो हमारा दोस्त माया का भक्त क्या है माया का भक्त हो माया का भक्त फिर इधर कैसे आए हो माया का भक्त नहीं कृष्ण का भक्त भूत हो गए हम हम भूत हो गए <chapters> तो माया का भक्त इधर कैसे आए माया का भक्त लोग के लिए माया कहा है ना माया का मंदिर है माया का मंदिर कहा है पता नहीं आपको माया का मंदिर टीवी में मोबाइल में पार्क रेस्टोरेंट माया का मंदिर में भेट हम कह अभी माया का दास नहीं कृष्ण का दास ने भूत हो गए हम हाँ? मन का भक्त भी नहीं है अरे भक्त का मतलब है जो उपासक हो जाता है स्थिर हो जाता है <laughs> मन का भक्त क्या है किसी भी स्थिति में हमारा हालत नहीं भूत जैसे बन गए अरे भूत नहीं भूत में और एक भूत है आपको पता नहीं है आपको पता नहीं हम सब बचपन से सुने अभी तक याद है एक भूत होता है ना ये ब्रह्म भूत जैसे होता है उनको आश्रय नहीं मिलता है भूत तो पेड़ में रहता है और एक भूत है वो ऐसा है जो पेड़ में रहने के लिए इच्छा करता है ना वो पेड़ टूट जाता है समझ रहे हो ना उरिया में कहा बताते मेरा भाग्य ऐसा है ना जो पेड़ को मैं पकड़ता हूं जो शाखा को मैं पकड़ता हूं वो गिर जाता है हम लोग का हालत ऐसा है एक शुद्ध होकर चरण ऋणुष एक आचार्य उपासना छोड़कर हमारा ऐसा हालत हो गया किसी को भी पकड़ते हैं ना देखो कोई साधन को पकड़ लेते हैं गिर गए भजन कुछ दिन चलता है फिर नहीं भागवत मुझे पढ़ना है फिर कुछ दिन चलता है इसका भूत है कोई भी शाखा को पकड़ते गिर जाता <laughs> अरे विश्वास नहीं है ना तो प्लेटफॉर्म है मैं कुत्ता हूं सर्वस्व मेरा कुछ नहीं है एक अवतृत वर्णन निजर पोषण कभू ना चिंती कभी मेंटेनेंस मेरा मेंटेनेंस का मतलब ना सिर्फ शरीर का चिंता नहीं है मेरा भक्ति हो रहा है कि नहीं ये भी मैं चिंता नहीं करूंगा मैं जो कुत्ता जैसा आपके पास पड़े रहे हूं तो मैं स्वामी भक्त हूं मेरा धर्म है कि आपका सेवा करना आपका सुख देखना मेरा भक्ति हो रहा है कि नहीं ये आपका जिम्मेदारी जो सेवा तो हम करते हैं साधन तो करते हैं भाव देखो कहां है चाल हम सुन रहे थे ना साधन का भाव क्या है साधारण सदन का भाव यही है और नरतुम दास ठाकुर ने प्रेम भक्ति चंद्रिका में सदन का भाव लिखे शरणगति का भाव लिखे जावत तो जनम अपराध हईनु भोर निष्कपटे ना भजी तथापि तो तुम तथा गति ना छाड़ी ओ प्राणपति भाव शरणागति का भाव है जी आप मुझे मत मुझ छोड़िए आप छोड़ देंगे ना मेरा नुकसान हो जाएगा अभी हम छोड़ हम इतना बड़ा भक्त ठाकुर जी छोड़कर चले जाते हैं तुमको तो थोड़ा अंतर में हिचक होना चाहिए इतना जिनको प्रणाम किए इनको जिन इतना जिनको प्रार्थना किए तुम छोड़ने से पहले कभी उनको पूछे हो गया आपका इच्छा क्या है मैं इतना दिन से आपका शरण में था आपका इच्छा क्या है मैं इसीलिए बोल रहा हूं भूत है जिनको तुम प्रभु मानकर जिनको आश्रय कर, कर तुम इतना प्रार्थना क्यों इतना सेवा क्यों पहले जाने से पहले तुम तो पूछ लो ना भाव नहीं और नरतम दृष्ट तो ठाकुर ये बोल रहे जावत जनम जनम अमर अपराध हो जन्म जितना जन्म है और इस जन्म में भी जितना दिन बीत गया है अपराध से गया है। और कभी निष्कपट से मैं भजन नहीं किया कभी निष्कपट भजन क्यों कपट प्रेम नहीं है ममता नहीं है गुप्त तो वर्ण में ये भावना नहीं है लेकिन मेरा गति आप है मैं कुछ भी हूं आप मेरा गति तो आप एक अपराधी हूं दूसरा क्या है निष्कपट से भजन नहीं कर रहा लेकिन मुझे मैं अधम हूं आप मुझे मत छोड़िए आप अगर छोड़ देगा ना गया इस सरणागति का भाव है पतित तो पावन नाम घोषणा तुम तो नाम जदी हाय अपराधी ना छाड़ी ओ प्रणपति सत्य सत्य जे न पति सती सती पति जैसे होते सती और पति का जो संपर्क होता है ना ऐसे मेरा भाव तो ऐसे है लेकिन मेरा डिस्कालिफिकेशन अयोग्यता ही है आपका नाम हो पति तपावन मैं तो पति तुम्हें मैं अदम हूं अपराधी हूं निष्कपट भजन कभी नहीं कर रहा हूं लेकिन आप मेरा गति है आप मुझे नहीं छोड़ना चाहिए इसलिए हम ये दो जो सुन रहे हैं अनुकूल्य से संकल्पम प्रतिकूल्य से वर्जनम ये किस स्तर पर होता है गपत्रु तर्णन ये अंगी है जो ठाकुर जी गुरु जी को ये दो भाव से पकड़ लिया है कौन सा भाव आप मेरा रक्षक है आप मेरा पालक है किसी भी स्थिति में आपको नहीं छोड़ सकता हूं अब मेरा आश्रय है उन लोग का अधिकार है क्या अनुकूल है क्या प्रतिकूल है उन लोग का अधिकार इसे पहले तुम्हारा कोई अधिकार नहीं तुम्हारे मन के बात है कहां भी जाओ कोशिश करके देखो तुम कहां भी जाओ बोलेंगे इधर प्रतिकूल है कहां भी जाओ क्योंकि भजन का अनुकूल सबसे क्या होता है श्री चरण पद शुद्ध चरण चरणारण इसको तो अभी तक तुम समझे नहीं हो तुम जहां भी जाओगे बोलेंगे इंपेडमेंट्स है इंपेडमेंट है इधर अपराध हो रहा है इधर ये हो रहा है उधर प्रसाद इशू है उधर ये प्रीचिंग इशू है इधर इशू ईशू बनाकर खुद इशू हो जाते हैं समय यही प्रतिकूल भावना है कहां प्रॉब्लम नहीं कहां प्रॉब्लम नहीं मुझे बोलो प्रॉब्लम हमारा भीतर है प्रॉब्लम बाहर नहीं है प्रॉब्लम हमारा भीतर है सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यही है हमारा जिम्मेदारी हम खुद ले रहे हैं इस सबसे बड़ा प्रॉब्लम पोषण कभी चिंता नहीं करना चाहिए निजर पोषण कभू ना चिंती व रही व भावे हो मेंटेनेंस चाहे स्पिरिचुअल मेंटेनेंस हो मेटेरियल मेंटेनेंस हो रेस्पिबिलिटीज हो जो भी हो कभी नहीं सोचना चाहिए फिर कैसे रहना है भावेर भोरे भाव से रहना चाहिए मुझे भगवान ने आश्रय दिए मैं कुत्ता जैसा हूं ठाकुर जी चरण कमल में भाव में रहना चाहिए भक्त विनोद तुम्हारे पालक इधर गुप्त वरण का भाव है पालक बोलिया वरण करें हम कभी सोचे हमारा हमारा कुछ भी हो गुरु जी मुझे कृपा करेंगे विश्वास है हमारे ऊपर हमारा विश्वास नहीं हम इतना बड़ा भक्त है समझ रहे हो ना कहा, कहा मैं बोल रहा था काल में बोल रहा था हाँ जो कॉन्फिडेंस आता है कैसे आता है जिनका डेडिकेशन है उनका कॉन्फिडेंस आता है जो डेडिकेटेड नहीं है उनको अभी कॉन्फिडेंस उनका भीतर नहीं आता वो खुद ही सोचता है मेरा गलती है मेरा गलती है कॉन्फिडेंस नहीं आता है डेडिकेटेड नहीं है जिनका त्याग नहीं है समर्पण नहीं है उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं होता है जिनके कॉन्फिडेंस नहीं है उनके लिए सब जगह में प्रॉब्लम है सब जगह में प्रॉब्लम शादी कर लेंगे तो बोलेंगे प्रॉब्लम है शादी नहीं करेंगे तो बोलेंगे प्रॉब्लम है इसी दुनिया में हर जगह देखो सुना है प्रॉब्लम है प्रॉब्लम है प्रॉब्लम है, है। बाबू जी लोग है, है, बोलते हैं प्रॉब्लम है शादी करने वाले बोलते हैं प्रॉब्लम है और कॉन्फिडेंट क्योंकि तुम डेडिकेटेड नहीं हो अभी फैमिली फैमिली लाइफ में परिवार जीवन में जो प्रॉब्लम जहां नहीं होता है ना कॉन्फिडेंस में काम करता जैसे मोदी कॉन्फिडेंस में काम करता है ना कितना उम्र अभी है सेवेंटी देखो उनका वचन कैसा है कॉन्फिडेंस है मैं देश के लिए कर रहा हूं डेडिकेशन ऐसे करता है जब कॉन्फिडेंस तो डेडिकेशन में तुम कुछ कर रहे हो ना कॉन्फिडेंस कहां से आता है मन से नहीं आता है सुपर सोल देते किम टू डेडिकेटेड वो तो मेटेरियल फील्ड है स्पिरिचुअल फील्ड है तुम अगर डेडिकेशन देंगे कॉन्फिडेंस आता है गुरु और कृष्ण के लिए यही बल बन जाता है जितना चैलेंजेस लाइफ में आता है अनुकूल से प्रतिकूल से बर और सब कॉन्फिडेंस आ जाता है इसे पहले डेडिकेशन डेडिकेटेड बनो समर्पण का भाव नहीं है ना भजन करना बहुत मुश्किल हो जाता है कॉन्फिडेंस नहीं कॉन्फिडेंस नहीं आता है खुद का ऊपर खुद का विश्वास नहीं रहता है जिन, जिनका ऊपर खुद का विश्वास नहीं होता है वो कितना देखो जिनका पर खुद का विश्वास नहीं है ना वो लोग ज्यादा पछताते हैं पता है आप कैसे जैसे वो मोबाइल है या पैसा है वो कहा गिर गया है या कहा रख लिए हैं पता नहीं देखो कोई कोई आदमी ऐसा होता है ना मालूम उनका हंड्रेड रुपीज कहां गिर गया है से रुपया कहा गिर गया या मोबाइल कहां रख लिए हैं? वो कहाँ रखे हैं अभी उनको उनको पता नहीं है कितना दुखी होते पता है इधर ऐसे इधर है क्या उधर छोड़ दिया हूं क्या देखो कितना पछताते लो। वो लोग वो भूल गए कहा रखे हैं भूल गए कॉन्फिडेंस नहीं है अभी कहां रखे विश्वास नहीं है और डाउट नेचर आ जाता है शायद मेरा लड़का ले गया है देखो डाउट नेचर होता है जहां कॉन्फिडेंस नहीं है उधर डाउट कॉन्फिडेंस का रूट कॉज कौन है डेडिकेशन जो डेडिकेटेड पर्सन किसको डाउट नहीं करेगा किनको उनको परमात्मा दे रहा है कॉन्फिडेंस वो डाउट क्यों करेगा शास्त्र गुरु भगवान जो अपराकृत वस्तु इसमें डाउट क्यों आ रहा है इसका रूटकॉज यही है, है हम वी आर नॉट डेडिकेटेड हमारा कोई स्वार्थ है वर्ण स्थिति हमारा नहीं है इसलिए परमात्मा हमको क्या बोले संयोग नहीं कर रहे हैं भाव का संयोग नहीं कर रहे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है जो कॉन्फिडेंस नहीं आता है डाउट इज देयर चाहे सूक्ष्म रूप से हो या स्थूल रूप से हो संदेह रहता है क्योंकि परमात्मा आपको रिवील नहीं कर रहे गुरु जी का ऊपर संदेह आएगा शास्त्र ऊपर संप्रदाय ऊपर मंत्र ऊपर तब तो गए तुम

आप मत सोचिए कर्मी लोग कुछ पता नहीं है कर्मी लोग को सब कुछ पता है हम कितना सुख में है कितना दुख में है वो लोगों को पता चल जाता है इंडेक्स ऑफ माइंड देखो वो सेल्फी लेते हैं कैसे वो इतना खुश में रहते हैं भाई भीतर के खुश हो बाहर के खुश हो हम जाते फोटो खींच लेते हैं तो हमारा फोटो आपका फोटो हम सबका फोटो खींचो देखो भक्त का जीवन में सबसे बड़ा दुख का कारण ही है कॉन्फिडेंस नहीं है कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है डेडिकेटेड नहीं है डेडिकेटेड नहीं है तो कॉन्फिडेंस नहीं है तो सुपर सोलो उनको साधु आत्मा गुरु भगवान जो है ना तद वस्तु कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं. भाव दे नहीं रहे तब तो तो क्या होगा डाउट आ जाएगा जब डाउट आ जाएगा वो शरणागत कैसा होगा शरणागत कैसा बनेगा सुन पढ़ते हैं सुनते हैं सेवा करते हैं नहीं इसलिए जो डेडिकेशन का जो भाव होता है ना गुरु जी समझ सकते हैं वही बात मैं बोल रहा था देखो भगवान तुम इंटरफेयर भगवान तुम्हारा इंडिपेंडेंट में इंटरफेयर नहीं करेंगे लेकिन गुरु जी करेंगे ठाकुर जी इतना प्रवचन देने का बाद अर्जुन तो को छोड़ दिया जद इच्छा सी गुरु जी ने गुरु ऐसा नहीं बोलेंगे जद इच्छा सी तक तो गुरु गुरु ऐसा नहीं बोलेंगे भगवान बोलेंगे जद इच्छा सी तक गुरु गुरु ऐसा नहीं बोलेंगे गुरु क्या बोलेंगे करना पड़ेगा नहीं तो आई रिजेक्ट यू भगवान कभी नहीं बोलेंगे मैं रिजेक्ट करूंगा भगवान बोले जद इच्छा गुरु दुर्योधन भी ऐसे बोल दिए भगवान ऐसे नहीं एक गुरु ऐसे नहीं है इसीलिए तो गुरु जी के भेजे ठाकुर भाई मेरा धर्म है मैं तो इंडिपेंडेंट दिया हूं मैं इसमें इंटरफेयर देने का बाद जो लेते हैं मांगते हैं ना बनते हैं। ठाकुर जी इसीलिए तो गुरु को भेजा मैं मैं दिया इंडिपेंडेंट। मैं अगर तुम काम करो तुम जाओ और इसीलिए गुरु जब इंटरफेयर करते हैं हम एजुटेट हो जाते हैं इसलिए शिष्य हम नहीं है शिष्य कब बनते हैं जब हम गुरु को अलाउ करते हैं आप आइए मेरा इंडिपेंडेंट में इंटरफेयर करिए सास धातु जो चांस देता है गुरु जी को मुझे शासन करो इसलिए शिष्य बनना आसानी नहीं है बिल्कुल आसानी नहीं है इसीलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहा करता है ना मेरे जीवन में अगर एक शिष्य मुझे मिल गया तो मेरा गुरुगिरी मैं जो गुरु का गुरु का काम कर रहा हूं ना मैं सफल हो जाएगा हम आलम नहीं करते हैं गुरु जी को गुरु को कैसे अलाउ करेंगे इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट में इंटरफेयर करने के लिए गुरु को कैसे अलाउ करते हैं गुरुवाक्य गुरु जी का वचन सुनते हैं ना तो अलाव करते हैं उनको भीतर हाँ ये गुरु जी बोल रहे हैं मुझे करना है लेकिन इंडिपेंडेंट ऐसा एक चीज होता है, है ना इंडिपेंडेंट की वजह से हम डेडिकेटेड नहीं है इसका रूट का जो इंडिपेंडेंट रहा स्वतंत्र भाव रहता है तो डेडिकेशन नहीं होता है डेडिकेशन नहीं होता है तो कॉन्फिडेंस नहीं होता कॉन्फिडेंस नहीं होता है तो डाउट नेचर आता है डाउट आ गया तो फिनिश हो गया हम संशयात्मा तो उसका पहले कहां रहा स्वतंत्र स्वतंत्रता से यह सब दोष आ रहा है स्वतंत्रता को कैसे स्वतंत्रता को कैसे कंट्रोल करना है इसलिए शिष्य का मतलब उच्चांश बोलता है ये शरीर आपका है गले शिष्य करे आत्मसमर्पण इसमें स्वतंत्रता बहुत डिफिकल्ट है हम आत्मसमर्पण नहीं है लेकिन गुरु शिष्य का यही संबंध होता है जो भगवान नहीं करते गुरु ऐसा करते हैं गुरु जान बुझ कर इंडिपेंडेंट में इंटरफेयर करता है लेकिन समर्पण क्या है तुम खुद ही समर्पित हो जाओ एक सेकंड के लिए भी तुम्हारा स्वतंत्रता नहीं है इसलिए वो कष्ट है लेकिन गुरु जी क्या करते जान बुझ तुम्हारा इंडिपेंडेंट तुम क्या खा रहे हो देखो ना आप ऐसे नहीं बोल सकते उपमान्य कभी ऐसे बोला गुरु जी मैं तो गाय चरा रहा हूं मैं मोटा है या दुबला है आप क्यों इतने इं इंटरफेयर कर रहे हो बार बार गुरु जी बोल रहे हैं इतना मोटा क्यों हो रहे हो इंटरफेयर देखो बॉडीली क्या हुआ है स्टेटस में इंटरफेयर कर रहे हैं। इतना मोटा क्यों हो रहे हो तुम इतना पतला क्यों हो रहे हो क्या भोजन कर रहे हो कि, कितना पैसा कमा रहे हो सब में इंटरफेयर गुरु जी करेंगे देना चाहिए क्योंकि ऐसा नहीं करेगा ना इंडिपेंडेंट हो जाएगा तब तो डेडिकेशन नहीं आएगा तब तो गया उनका जीवन कॉन्फिडेंस नहीं आता है तो कैसे बा करेगा क्या में चलता है इसलिए इंटरफेयर इंडिपेंडेंस गुरु करते पहले इसीलिए अनुकूल संकल्प हम जो है ना शुरू जाएंगे कहा हम फिरा कर वही तत्व पर आएंगे संसार में दो तत्व है वैष्णवी जी में हो चाहे कोई भी संप्रदाय में तुम ले आओ मैं प्रमाण करके दिखा दूंगा मैं गर्व से नहीं बोल रहा हूं सिद्धांत से बोल रहा हूं संसार में दो तत्व है हमारे गुरु जी बोलते थे संसार में कोई तत्व नहीं है जितना तत्व है ये दो तत्वों को पोषण करते हैं एक है गुरु सेवा और नाम सेवा और इसको महाप्रभु शिक्षा में लगाए ताते कृष्ण भजे करे गुरु सेवन माया जल से छुटे पाए कृष्ण रचरण दो काम होता है गुरु सेवा और नाम सेवा में माया जल से छुटकार पाते हैं और कृष्ण का चरण सब तत्व तो दोनों तत्वों तो को पोषण करता है इसे कभी हम नहीं सोचना चाहिए अनुकूल से संकलन प्रतिकूल से वर्जनम इधर नहीं हो रहा है भजन उधर हो जाएगा कहां भी जाओ वृंदावन में रहने वाले बोलते हैं इधर भजन नहीं हो रहा है ये सुखा खाकर भजन नहीं होता शरीर खराब हो गया होगा नहीं कहां भी तुम जाओ ये तुम्हारा मन की भजन है गपतुत व्रणम तथा कभी नहीं सोचना चाहिए निजर पोषण कभू ना चिंती व कबू शब्द लगाए है ना चिंती वह चिंता तो नहीं करेंगे भावे आनंद से आनंदा ये मेरा गुरु जी का व्यवस्था है।, है अधिकार अनुकूल्य से संकल्पम प्रतिकूल्य से वर्जन नहीं तो भजन मन का साथ लड़ाई है समझ रहे हो ना जो गुप्त वर्णम नहीं रखे हैं गुप्त वर्णम जो गुरुजी को गुरु ठाकुर जी का चरण कमल को स्वीकार नहीं किए सिर्फ माइंड भजन उनका भजन क्या होता है

पड़ जाता है तब उस, उस सरेंडर हो गया चलो अब फाइटिंग नहीं करना है जो झुक जाता है उनके साथ लड़ाई नहीं करना पड़ता है तो माइंड तो झुकता नहीं है समझ रहे हो ना माइंड हमारे साथ लड़ाई कर रहा है तो हमको बल चाहिए उनके साथ लड़ाई करके हम, हम का बल नहीं है हम लोग का बल यही है मन हमको बार बार मन, मन के साथ भजन हमारा जो भजन है शरणागत से पहले गुप्त वर्णन से पहले वही हमारा बुद्धि बुद्धि से हमारा भजन के बल इसको मानकर हम लड़ाई चलाते हैं ये लड़ाई हम लड़ाई करते हैं इसे तो नहीं है? कि गुप्त पूर्णम भाव नहीं है जब गुप्त पूर्णम भाव हो जाता है ना तब तो मन जब लड़ाई करने के लिए आता है ना तब तो मन को हम क्या बोलते हैं तुम पता है हमारा रक्षक कौन है समझ रहे हो ना तुम खाली हाथ में हो ना कोई आ जाता है बंदूक लेकर या लाठी लेकर तुम डरते हो उनको पता नहीं तुम्हारे पास बंदूक है वो अगर बंद आप बंदूक निकाल देंगे तो वो क्या बोलेगा उनका पास लाठी है वो लाठी छोड़कर तुम सरेंडर हो जाता है ये रक्षक और पालक जो भावना है ना तुम्हारे पास बंदूक है मैं न रख जाऊंगा ना मेरे पास गुरु है मंदिर में रहते हैं, हम नहीं सोचते मेरा पास गुरु है अकेला रखता है समझ रहे हो ना गोस्वामी लोग अकेला भजन करते हैं हम संग में हम लोग का भजन नहीं हो रहा है संग में हम असंगी हैं संग में रहते अकेलापन रहता है है ना पास में गुरु नहीं है ना ये रक्षक पालक भावना नहीं है ना ये अकेला लगता है भाई तुम इतना कीर्तन हो रहा है इतना सेवा हो रहा है भजन तुम अकेला क्यों लग रहा है लोन अंग्रेजी बोलते हैं ना क्यों ऐसा फील हो रहा है तुम्हारा कोई रक्षक पालक कौन है गुरुपाद पथ में कृष्ण पात पहले गुरुपाद पद वर्ण नहीं क्यों तुम कहां भी रहो संग में रहो अकेला रहो तुम क्या लगेगा अकेलापन बोलते हैं मैं मुझे अकेलापन महसूस होता है क्यों महसूस होता है अरे ये कर्मी दुनिया में होता है पत्नी या पति कोई एक चला जाता है तब तो बोलते मुझे अकेलापन महसूस होता है यही है जीव को हर समय अकेलापन महसूस होता है लड़का है एक लड़का वो लड़का पढ़ाई के लिए चले गए फिर बोलते हैं मुझे अकेलापन महसूस होता है ये कर्मी दुनिया का भाव है भक्ति दुनिया में अकेलापन कभी महसूस नहीं होता है हर समय फील करते हैं ये अरेंजमेंट किसे आ रहा है गुरुजी से समझ रहे हो ना गुरु गुरुक्षात कन्विनेंस आ गया ना तो अरेंजमेंट इसका नेक्स्ट स्टेप है <laughs> तुम डेडिकेटेड हो संदेह नहीं है कुछ तुम शरणगत हो गुप्त वर्ण वरण स्टेज पर आ जाओ तुम्हारे लिए व्यवस्था आ जाएगा जब तक ये स्टेज पर नहीं है ना ये हमारा अरेंजमेंट प्राराध्य के हिसाब से होता है इसलिए कभी गुरु को ब्लेम करते हैं कभी कृष्ण को ब्लेम करते हैं कभी खुद को ब्लेम करते हैं ये तो भजन है ये तीनों का ब्लेम में हमारा जीवन जाता है एक गुप्त वर्ण स्टेज नहीं है गुप्त तो बड़ा स्टेज पर हम आ जाते हैं ना उसका बाद तो अरेंजमेंट किसका गुरु कृष्ण देखो प्रभुपाद जी जब गए ये शरीर साथ देने वाला था प्रभुपद के साथ साथ में कौन थे अभी तुम जाते हो इसकान लाल कपड़ा देखते लोग बोलते हैं इसकान प्रभुपद के साथ कौन थे कभी अकेलापन महसूस नहीं हुआ है गुरु गुरु रक्षक है वो पालक है देखो सब अरेंजमेंट आ गया कॉन्फिडेंस है ना तुम्हारा गुरु वाक्य में गुरु को पकड़े हो ना तुम्हारे लिए व्यवस्था हो जाएगा तुम चिंता मत करो और स्टेज पर नहीं हो ना स्ट्रगलिंग स्ट्रगलिंग प्रतिकूल प्रतिकूल से से होना इसमें चलता है ये खराब है ये खराब है ये खराब है मायावती हर जगह माई प्रॉब्लम कहीं जाओ तुम तुमको महसूस होगा इधर अच्छा अरेंजमेंट नहीं इधर ऐसा हो सब बोलते इधर ऐसा होना चाहिए होना चाहिए अरे तुम गोला गुरु ऐसे मूड रखेंगे तुम गोला गुरुदा बन जाएंगे फिर उधर ही बोलेंगे कृष्ण ऐसा होना चाहिए इधर पनीर सब्जी क्यों नहीं हो रहा है <laughs> उधर ही बोलेंगे आप हर समय सजेशन मूड आता है कृष्ण ऐसा होना चाहिए अरे जो बंदोबस्त कृष्ण ने किया है ना गुरु जी ने किया है ना हमारा भलाई के लिए किया है भज देखो तुम जहां हो ना उधर जो बंदोबस्त है तुम्हारा भाग्य के हिसाब से इसको समझो तो भजन होगा मेरा जितना जि, जि, जिसमें भलाई होगा जितना में भलाई होगा इसको ठाकुर जी बंदोबस्त किए हैं जैसा पत्नी हो चाहे मंदिर हो कुछ भी मिला है ना मेरा भाग्य से मिला है सजेशन मत दो कृष्ण को अभी कृष्ण को ज्यादा सजेशन देते हैं ना <laughs> कृष्ण डोनेशन बॉक्स इधर बैठा है डोनेशन बॉक्स जितना है डोनेशन बॉक्स के पास एक सजेशन बॉक्स रख लो डोनेशन बॉक्स सजेशन बॉक्स और एक बॉक्स क्या है कंप्लेन बॉक्स सजेशन कंप्लेन और पाने के लिए क्या बोलते हैं हिंदी में मुझे मिलना चाहिए मांगते हैं ना हाँ सो बक्स लगा लीजिए ना देखो किसमें ज्यादा ज्यादा कहा कौन सा बक्स में ज्यादा आएगा फीडबैक अरे हाँ? मांगेंगे नहीं जितना लोग सिर्फ सजेशन कृष्ण आपने इतना दिया है और देना चाहिए था सब सजेशन देंगे यह अजीब का आइडिया है ज्यादा सजेशन आएगा और भगवान का पास यही प्रार्थना होता है और हम लोग का पास जैसे मन मैनेजर है भक्त है भक्त के पास सिर्फ कंप्लेन बक्स कंप्लेन कंप्लेन अरे ये बंदोबस्त तुम्हारा, तुम्हारा तुम भाग्य से हुआ है प्रारब्ध से हुआ है जैसे आप पुणे मंदिर में रह रहे हो ना ये आपके भाग्य से हुआ है हमें उड़ीसा में रह रहा ना ये मेरा भाग्य है जो व्यवस्था ठाकुर जी गुरु जी की है ना ये गुरु का व्यवस्था है एक शुद्ध भक्त वृंदावन छोड़कर अभी तुम यंग हो मेरा भजन नहीं रहा है वृंदावन में भजन करूंगा और प्रभुपात वृंदावन छोड़कर विदेश में भजन कर रहे थे वो बोलते हैं लॉस एंजलिस वृंदावन है क्यों ऐसे बोल रहे थे ये है मैं दूसरे कोई दूसरे संप्रदाय में लोग पकड़ लेंगे क्या लॉस वृंदावन है क्यों वृंदावन नहीं है बोलो तुम क्या सोचते हो वो भारत नहीं इसलिए वृंदावन नहीं है नहीं वो गुरुजी का चरण कमल को भजन अनुकूल शुद्ध वो चरण रेणु भजन अनुकूल जहाँ साधु ता तीर्थ स्थिर कर निज चित्त साधु संग कर निरंतर जिस स्थान है वैष्णवगण सही स्थान वृंदावन वृंदावन श्री वृंदावन तो इधर है हमारा बोले सब यही मूविंग तीर्थ हमारा गुरुदेव का एक लेक्चर है साधु इज लाइक मूविंग तीर्थ तीर्थ इसको लगाना है तीर्थ गुरुबंधी तीर्थ आने जब भजन अनुकूल कोई शुद्ध वक्त चरण रहे भजन अनुकूल तब तो सब मैनिफेस्ट गुप्तृत वर्णम मोस्ट इंपोर्टेंट सब हर समय गुप्त वर्णन का क्या है बाबे इसमें और एक है भजन है सकल छियामी तुम तो चरण नात आमी नित्य दास पालोई पालयता तुम्हें गुप्ता जगरनाथ इस भजन में सब कुछ मैं छोड़कर आपका चरण कमल में आया हूं आप मेरा गुप्ता है रक्षक है इस के भावे। तुमार सकल दास आमारे पाली बे तुम तुम चरण करी बरण आमार तो आमी ये भजन का प्राण है क्या कैलकुलेशन कर रहे हैं ये पॉजिटिव है नेगेटिव है वो ऐसा होगा छोड़ दीजिए भाव कुछ नहीं है स्वतंत्र व्यवस्था होता है स्वतंत्र व्यवस्था समझ रहे क्या बोले स्वतंत्र स्पेशल अरेंजमेंट इंडिपेंडेंट छोड़ दो स्वतंत्र भाव छोड़ दो गुरुजी को अलाव करो गुरुजी जी कैसे अलाव करते हैं कोई भी बोलेंगे गुरुजी मेरा दूर है अरे गुरुजी जी का वाणी को स्मरण करो अलाव करो मेडिटेट करो गुरुजी जी से बोले मैं क्या कर रहा हूं गुरु जी आप आइए मेरा अंतर में आइए मुझे शुद्ध कीजिए जब शिष्य स्वतंत्रता को छोड़कर गुरु वाक्य आचार्य वाक्य को उपासना करता है उनको आलाव करता है तो उनका इंडिपेंडेंट जाता है इंडिपेंडेंट जब चला जाता है गुरु इंटरफेयर करते हैं ना उनका डेडिकेशन भाव पैदा होता है डेडिकेटेड हो जाता है तब क्या होता है कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है उसका क्या होता है स्पेशल अरेंजमेंट क्योंकि अभी जो कॉन्फिडेंस आया है खुद जीने के लिए नहीं सेवा के लिए आया उनका शुक्र भगवान भगवत शुक्र लिया है।, तो arrangement, arrangement है, ना। होता है ना हम लोग जाते हैं जनरल वही फ्लाइट में मिनिस्टर जो है ना सबको रुक, रुक वही फ्लाइट में हम जाते हैं स्पेशल अरेंजमेंट उन लोग के लिए भीतर एक गेट है हम तो सिक्योरिटी गेट में सब डाल कर जाते हैं उन लोग का चेकिंग अलग है स्पेशल कैटेगरी इसलिए तुम इस संघ में हो इस में हो इस मंदिर में हो लेकिन तुम्हारे लिए स्पेशल अरेंजमेंट आ जाएगा तुम अलाव करो पहले पॉइंट को पकड़ो शुद्ध वकत चरण वजन अनुकूल अनुकूल से संपर्क का मतलब आमार नहीं तो आमी, करीनु बरण आमार नहीं तो आमी आज से मैं मेरा नहीं हूं मैं आपका कितना बड़ा भाव है हम किसका है अभी हमी वही भूत है ना तो बाबा जी लोग हम विशेष करके जी लोग उन लोग का का है तो पति पत्नी सब कुछ है भाई कम से कम माइंड बैलेंस करते हैं हम लोग का है कौन पिता माता नहीं बाल कटवाए और हमारा हो आदमी मर जाने से कोई मर जाता तो बाल कटवाते हैं समझ रहे हो ना उड़ीसा में ऐसा है ना मर जाने के बाद बाल कटवाते हैं मुंडन हो जाते हैं हम हम तो हर दिन पंद्रह दिन में साफ करते हैं हमारा कोई नहीं है हमारा कोई नहीं है देखो बाल कटवाते फिफ्टीन डेज वन मंथ में सेवन डेज में बाल कटवाते कोई नहीं है फिर दिमाग में आ जाए, तुम्हारा है कोई नहीं जाते पागल मन सब है है हमारा है कौन बाबा जी कोई पसंद नहीं करता है बाबा जी सबको पसंद करता है तुम सोचते हो पिता तुमको पसंद करते हैं एक बार बाबा जी बन जाओ कोई तुमको पसंद नहीं करेगा लेकिन हम इसे पागल है गुरु का नहीं हुए ना तो सब, सब सब वो तो सब मुझे पसंद करे सब मुझे पसंद करे हम ऐसे सोच रहे नहीं अमार नहता आमी मैं मेरा नहीं हूं तुम्हारा चरण करी नो वरण मैं वरण कर लिया आपका चरण कमल में वरण किया मैं आज से मेरा नहीं हूं आपका भकति विनोद कांदी या चरण लया तुम्हारा पाया अपराधना में रुचि दिया पालन करो भजन में पालन होता है हम सिर्फ बात सोचते हैं जैसे हमारा इसका मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है ना समझ रहे हो ना भगवान के पास मेंटेन्स भक्ति का मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है कब भगवान मेंटेनेंस करते हैं मेंटेन करते हैं आपको यही भाव है तो मार सकल आमी मत्रदास सब आपका है मैं तो दास हूं और मेरा विश्वास है आप मुझे पोषण करेंगे और आपका चरण कमल को मैं वरण कर लिया मैं कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा समझ रहे हो ना कभी छोड़ना जो शब्द आजकल जैसे डिवर्स चलता है ना वो कभी वैदिक सभ्यता में नहीं है जैसे पति पत्नी में डिवर्स नहीं है ऐसे शिष्य में डिवर्स नहीं छोड़ नहीं सकते हो तुम सांप्रदायिक आचार्य है ना छोड़ नहीं सकते हो सिर्फ कभी करते हैं कानून नहीं मानते तो छोड़ सकते छोड़ने का अधिकार तुम्हारा नहीं क्यों वर्ण उनका शादी के लिए उनका यज्ञ हो रहा है हमारा दीक्षा के लिए यज्ञ हो रहा है देखो वो संसार करने के उनके लिए यज्ञ कर रहे हैं हम भक्ति करें हम यज्ञ कर रहे हैं हमारा पति गुरु गुरु बैठते हैं गुरु बैठते कि नहीं गुरु बैठते हैं यज्ञ होता है और साखी रखते हैं वो लोग साखी रखते हैं देवता लोग को इंद्र वायु चंद्र किस कि, को साखे रखते हैं गोस्वामी में सुनना चाहिए किन किन का मंत्र गोपी लोग महाजन को साखे रखते हैं नवजोग को रखते हैं के नहीं सा हम हम सोचते हैं फॉर्मेलिटी है फॉर्मालिटी क्यों लगता है यही है पहले पॉइंट देखो स्वतंत्रता भावना अभी तक है इसलिए हमको फॉर्मेलिटी रखते हैं देखिए हो गया हो गया सर खत्म नहीं बरण है तुम्हारा चरण करी नो वरण अमारा नहीं तो आमी भक्ति विनोद कंदिया शरण लया छे तो मार पाए मैं आपका चरण कमल में रो रो कर मैं शरण लिया हूं क्षमे अपराध नामे रुचि दिया पालन न कर रहा है मेरा अपराध को बार बार आप क्षमा कीजिए प्रभु जी मैं तो है शरणागत लेकिन एक अपराधी हूं गुप्त वर्णन करने का बाद भी अपराध की भाव आ जाता है ना हम तो जीव है ना क्या करें इसलिए बार बार मुझे क्षमा कीजिए मैं आपका आप मेरा रक्षक है पालक है तो पोषण भक्ति का पोषण आप भी करेंगे ना अगर मेरा अपराध हो रहा है ना आप थोड़ा तो तो मुझे बचाइए क्षमी अपराध आप क्षमा कीजिए नामे रुचि दिया कितना देखो नाम रुचि पालन कर रहता है आप मुझे पालन कीजिए आप मुझे पोषण कीजिए मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। ये अधिकार जब आ जाता है तब तो अनुकूल्य से संकल्पन प्रतिकूल्य से वर्जनम तो आप कर सकते हो इसका इंपोर्टेंट है शुद्ध भक्त शरण ऋण कब शुरू हुआ स्वतंत्रता स्वतंत्रता को छोड़ना है और गुरु जी को अलाव करना आ जाइए आप इंटरफेयर कीजिए हमारा स्वतंत्रता का मतलब क्या है हमारा मन जो चाहता है और इसमें इंटरफेयर करते हैं गुरु जी को अलाव करते हैं तो तो आता है सब कुछ स्पेशल अरेंजमेंट तक आ जाता है सुने ना स्टेप कैसा स्टेप वैसा है उसके बाद प्रतिकूल प्रतिकूल का क्या है भक्ति में ठाकुर लिखे तो भक्ति बहिर्मुख संग ना करीब गौरांग विरोधी जना मुख ना हरीब जो भक्ति बहिर्मुख जन है उन लोग का कभी संग में नहीं करूंगा अब अभिशंक किसका हो रहा है जो हमको पसंद करता है चाहे उनका पास भक्ति हो या अभिशंक का मतलब यही है, है आप मुझे पसंद करते हैं ना तो आपका स्टैंडर्ड कुछ भी हो हम दोस्ती बना लेते हैं <laughs> इसमें गुरु कृष्ण का सुख कोई नहीं देखते हैं। हम हमको जो पसंद नहीं करते हैं चाहे वो अच्छा शुद्ध भक, भक्त हो वो मेरा बात क्यों नहीं मान रहे अभी दोस्ती क्या है दोस्ती का मतलब है, है वो जो बोल रहे तुम हां बोलो यस मैन बोलो नो मैन मत बोलो दुनिया में ही चल रहा है ना क्या बोले भक्ति ठाकुर का स्टेटमेंट ये है ना चपोलासी अंग्रेजी में क्या बोलते हैं फ्लैट म्यूचुअल फ्लिजिंग वर्ल्ड म्यूचुअल फ्लिजिंग आप मुझे बड़ा बोलना है मैं मुझे, मैं बोलूंगा प्रभु जी बहुत प्योर डिबोटी जी आप बोले हाँ महाराज प्योर डिबोटी जी ये म्यूचुअल फ्लिजिंग वर्ल्ड ये चलता है सब सुख रहता तुम तुम मेरा बंधु हो तुम मेरा दोस्त एक उड़िया में कहावत है उरिया में बहुत अच्छे अच्छे कहावत है दोनों दोनों क्या करते हैं रात में जब सोते हैं ना एक बेड पर सोते हैं दोनों यूरिन पास करते हैं दोनों बंधु है समझ रहे हो ना एक बेड में सोती है दोनों सोते हैं लेकिन रात में उन लोग का तो यूरिन इसमें उनका हैबिट है रात में उपास कर देते बेड में तो वो बोलते हैं देखो तुम्हें रात में पास कर रहे हो मैं भी रात में पास कर रही हूं यूरिन दोनों एक साथ में सो लेंगे और कपड़ा धोना का कोई जरूरत नहीं क्या धोना है हर दिन ऐसे क्यों करेंगे तुम मेरा दोस्त हो मैं तुम्हारा दोस्त आ जाओ एक स्थान पर हम सो जाएंगे दोनों का धर्म एक है म्यूचुअल प्लीजिंग है अभी तो म्यूचुअल प्लीजिंग चल रहा है आप मुझे बड़ा बोलो मैं आपको बड़ा बोलूंगा इसमें थोड़ा कुछ कम है चलो वो वैष्णव नहीं है गुरु भी वैष्णव नहीं है फेंक देते हैं गुरु भी वैष्णव नहीं है क्यों म्यूचुअल प्लीजिंग कम हो गया स्लोगन स्लोगन बोलते हैं ना भारत माता जय अभी गुरु को ही बोलना पड़ेगा मेरा चेला जय तब तो कम चलेगा नहीं तो म्यूचुअल प्लीजिंग गुरु मुझसे बातचीत नहीं कर रहे हैं गुरु हर में डांट रहे हैं यह यही चल रहा है यह हमारा संग हो गया आजकल नहीं इसमें कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं होता है गुरंग विरोधी जन मुख ना देखिए वो जो गुरंग का विरोधी है महापुरु जी का जो विरोधी है हम देखो हमको जो पसंद करता है लेकिन गुरु कृष्ण का विरोधी हम इसका संग नहीं करना चाहिए ये प्रिंसिपल आज नहीं चलता है आजकल चलता है चाहे गुरु जी से वो इसका ममता हो या नहीं हो आचार्य उपासना वो करते कि नहीं है नो मैं उनको पसंद करता हूं ना क्या क्या है जैसे कोई कोई बोलता है ना महाराज शिक्षा गुरु से बोलते हैं दीक्षा गुरु से तो पहले सोचना चाहिए शिक्षा 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 गुरु 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 का का स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड क्या 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 है 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 वो मुक्तात्मा कृष्ण स्वरूप अंतर्जामी भक्त श्रेष्ठ यही दो रूप शिक्षा गुरु दो तरफ के होते हैं गुरु जी हमारे गुरुदेव बोले हैं एक कंडीशनल स्टेज में शिक्षा गुरु उनको बत्मा प्रदर्शक गुरु बोलते हैं ये वैष्णव बत्मा बत्मा से पथ दिखाने वाले गुरु वो कंडीशनल स्टेज में अभी तक है उनका काम क्या है दीक्षा गुरु का सेवा करने के लिए वो मदद करना चाहिए वो जो इंस्ट्रक्शन देंगे वो जो कुछ करेंगे ना दीक्षा गुरु को सबसेबुल कर सकते अगर वो दूसरा कोई इंस्ट्रक्शन देता है तो उनका जीवन बर्बाद होगा हो जाएगा ना ये तो डाउट आएगा गुरु गुरु जी से और जो मुक्तात्मा होते हैं शिक्षा गुरु तो स्वरूप वो कभी डाउट वो मदद करते हैं लेकिन फिर कंडीशनल स्टेज में हम अगर किसको गाइड कर रहे हैं ना हमारा ये जिम्मेदार होना चाहिए कि वो उनका गुरु को फॉलो करे शिक्षा का मतलब यही होता है तुम कमाओ जैसे अच्छा लड़का वो कमाता है पिताजी को देते हैं तुम किसे शिक्षा लेते हो ना तो पिताजी का काम गुरु का सेवा करो और हम लोग कभी कभी क्या करते हैं यही होता है सिद्धांत पता नहीं है नहीं गुरु जी क्या बोल रहे हैं उनको पहला मानना चाहिए ये पसंद से बात नहीं है वो वैसा बोल रहे हैं तुमको पसंद लग रहा है तुम कुछ कुछ भी वो वो सिद्धांत विरुद्ध बात बोल रहे हैं गुरु जी का विरुद्ध बात बोल रहे हैं हम नहीं ग्रहण करना है कोई भी आदमी हो है तो कंडीशनल स्टेज में अगर वो गुरु जी का विरुद्ध में कुछ बोल रहा है और गुरु जी का सिद्धांत गुरु जी का सेवा मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा लेकिन अपराध नहीं करूंगा समझ रहे हो ना अपराध कभी करना चाहे कंडीशनल स्टेज में इंस्ट्रक्टिव गुरु हो अपराध हमको नहीं करना है फॉलो नहीं करना है ये, ये बहुत सावधानी से रहना चाहिए हमारा पसंद हमारा आप मुझे प्लीजिंग कर रहे हैं आप मुझे पसंद लग रहा है ना हम फॉलो कर रहे हैं लेकिन सोचना चाहिए वो गुरु गौरंग विरोधी है कि नहीं तो उनका पास हम अपराध नहीं करना चाहे फॉलो नहीं करना चाहिए हमारा प्रोस्यूजर यही इसी तरह कहां लगेगा सतवा स्कंद में लगेगा कमेंट्री कौन सा कमेंट्री संगीन साधु भक्ता नाम इसमें कमेंट्री देख लीजिए चक्रपत क्या लिखे प्रोपद क्या लिखे साधु भक्तान मतलब असाधु भक्त भी है वो भक्त है लेकिन इसमें असाधु क्यों लग रहा है वो अभी एटिकेट फॉलो नहीं कर रहा है पूज्यम सेव्य उनको पूजा करना चाहिए सेवा भी करना चाहिए लेकिन संग नहीं करना चाहिए डिस्टेंस जो गुरु जी गुरु गोरंग आचार्य परंपरा का बात नहीं मानते हैं ना उन लोग का हम संग नहीं करेंगे लेकिन अपराध नहीं करेंगे वो आज नहीं मानना है कल ही मान सकता है मैं आज से अपराध करूंगा तो वो अपराध का मुझे बोकना पड़ेगा इंपोर्टेंट यही रहता है गुरु का सेवा गुरु का सुख का क्या प्रतिकूल उनका संग नहीं गुरंग विरोधी जन संग ना करीब भक्ति विरोधी ग्रंथ पाठ ना करीब भक्ति विरोधी वाक्य कभी ना सुनिव भक्ति का जो विरोध वाक्य है उसको सुनना नहीं है और भक्ति का जो विरोध ग्रंथ है विरोधी ग्रंथ होता है ना उसको कभी नहीं पढ़ना है इसे भक्ति में ठाकुर लिखे हैं बहुत पथ शरणागत में ये भाव है ना कहा गुप्त वर्णन है कहां के, सब इसमें है इसका बाद रखे तो विश्वास गुप्त वर्णन आत्मनिक्षेप कार्पण्य सर्विधा शरणागत ठीक है वो टाइम हो गया है हरे कृष्ण कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए तुम बार लेफ्ट हैंड लेफ्ट लेफ्ट हैंड राइट मैं देख रहा हूँ हर समय लेफ्ट लेफ्ट हैंड में पकड़ते हैं आजकल जो भी आते हैं देखते लेफ्ट हैंड में पकड़ते हैं लेफ्ट हैंड उठाते हैं लेफ्ट हैंड में किसी यूज नहीं करना है बोलो हरे कृष्णा महाराज महाराज एक प्रश्न था कि जैसे आपने गुप्त गोप्त वर्णम के बारे में बताया तो क्या गोपत वर्णम के लिए जो हम जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बताया है मतलब अनर्थ निवृत्ति और निष्ठा तो उनका कोई रिलेशन है या कोई भी किसी भी स्टेज पे कोई व्यक्ति गोपतृत्व का मतलब नहीं निष्ठा स्तर पर तो पक जाता है निष्ठा स्टेज पर है ना गुप्त वर्णन का मतलब ये पहले से समझो कृष्ण मेरा पालक है कृष्ण मेरा रक्षक है जो है ना अनर्थ निवृत्त जब तक अनर्थ में सबसे बड़ा अनर्थ कौन था होता है बोलो अनर्थ तो डिस्क्रिप्शन है संशय डाउट नेचर जब तक रहता है ना कुछ भी पकता नहीं स्तर का मतलब क्या है डाउट अभी नहीं लेकिन आ सकता है अत्यंतिक नहीं हुआ है निष्ठा स्तर पर तो हो जाता है जब मध्यम अधिकार हो जाता है ना उनका तो स्टैंडर्ड ही विश्वास तो गुप्त वर्णम है कनिष्ठ अधिकार स्तर पर परसेंटेज कनिष्ठ का तीन स्तर है ना कनिष्ठ मध्यम कनिष्ठ उत्तम कनिष्ठ कनिष्ठ मध्यम अधिकारी स्तर पर रखाध विश्वास एक गुप्त वर्णन लेकिन हमको पहले से ट्रेनिंग लेना चाहिए मेरा रक्षा के पालक गुरु जी है मेरा पोषण करेंगे पालन करेंगे इससे क्या है इसके लिए कोई टाइम तो नहीं है नया डिबूटी हर समय कनिष्ठ होकर रहेगा दस साल के लिए शास्त्र में कहाँ लिखा है इतना ईयर का बाद कोई कनिष्ठ होता है मध्यम होता है उत्तम होता है कनिष्ठ मध्यम उत्तम श्रद्धा अनुसारी शिष्य को देखना चाहिए तुम्हारा फ़ैद कितना है फ़ैद के हिसाब से तुम्हारा अधिकार आ गया है ना मध्यम अधिकारी तो कंपलसरी है तो उनका है तो इसीलिए मध्यम अधिकारी वक्तृ वर्णम ये तो मध्यम अधिकारी कैसे बन सकते समाप नहीं ठीक है ना हाँ आपने बताया था कि आ, मतलब डॉग से कुछ लेसन लेने चाहिए तो आप एक ही बताया था आपने तुमको तो पता नहीं है क्या मैं कई बार इसको बोलता हूँ <laughs> हाँ नहीं नहीं ऐसा नहीं बहुआसी स्वल्प संतुष्ट सुनिद्रा लघु चेतन चाणा का नीति है बुहासी जल्दी जल्दी खा लेता है भूख लगता है तो कहता है भूख नहीं लगती तो नहीं कहते हैं स्वल्प चेतना बहुसी स्वल्प बुहासी और क्या बोला बहुसी अभी यूज नहीं हो रहा है सुनिद्रा लघु चेतना जल्दी सो जाता है जल्दी चुक जाता है देखो कुत्ता कैसा है कहां भी सो जाता है और थोड़ा बहुत चुक जाता है बुहासी स्वल्प संतुष्ट कुत्ता का ही स्वल्प संतुष्ट थोड़ा मिलता है संतुष्ट रहता है दोहा स्वल्प सु, संतुष्ट सुनिद्रा कहा भी सोता है आराम से सो जाता है और लघु चेतना इतना थोड़ा आवाज होता है स्वामी भक्त सुरस् हो गया ना स्वामी भक्त है कोई उनका मालिक अंगूठ थोड़ा अंगूठी उठाएंगे ना आवाज लगाकर आजा आ जाता है गेट का पास देखो कितना आवाज चलाता है हम लोग ऐसे <laughs> और सुर है वीर है मालिक के लिए फाइटिंग करने मरने के लिए भी तैयार है सड़ते स्वानम सिखेत चणक्य पैंत कुत्ता से क्या सीखना चाहिए कावा से क्या काउआ बोलते हैं ना क्रोच इससे क्या सीखना चाहिए गधा से क्या सीखना चाहिए सांप से क्या सीखना चाहिए हम तो स्टूडेंट है हमारा संप्रदाय ऐसा है ना जीवन भर कोई गुरु बनता है तो ऐसे है थोड़ा आपके लिए चेला के लिए गुरु है उनका गुरु के लिए वो अगर ऊपर देखता है ना वो मानता है मैं अभी चेला भी नहीं इसलिए वो गुरु है जितना ऊपर देखते हो ना भागवत को उपर, उपर, उपर भाव से देखो जितना ऊपर देखेंगे ना उतना शिष्य भावना होता है शिक्षा तो हमको लेना है बहुत है है ना ठीक है हो गया आप प्रभु जी बोल रहे हैं उसके बाद वो प्रभु जी हरे कृष्ण महाराज तो ये जो भक्ति भक्ति वर्ष आता है अभिलाषिता शून्यम और हम यहाँ हम भगवान से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारी रक्षा करें और मेंटेन करें तो मेरे मन में प्रश्न आया था फिर आप बीच में बोले कि भगवान ने सब बंदोबस्त किया है तुम्हारे भाग्य के हिसाब से तो फिर कहाँ तक भगवान से मांगना सही है और कहा ये मांगना नहीं है या आप मेरा, मेरा पलख है ये तो अरेंजमेंट हमें है हम नहीं समझ रहे कर्मी लोग जितना समझ रहे हैं ना हम कभी कभी इसे, 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 नहीं, इसे नहीं समझ इसलिए मैं डांट देता हूँ भक्ति लोग को भाई मेरा स्वभाव ऐसा मैं थोड़ा रजगुणी हूं तुम तो कर्मी लोग से गिर गए हो कर्मी लोग भाग्य को उनका लड़की का शादी नहीं हो ना मेरा भाग्य है ना नौकरी है ना मेरा भाग्य वो भाग्य बोलकर शांत हो जाते हैं और हमारे साथ भाग्य है और भगवान है भाग्य को बदलने वाले हैं फिर हम भगवान को ब्लेम करते मुझे कुछ नहीं मिल रहा है मैं। अरे तुम सोच लो कम से कम मेरा भाग्य भी था और भाग्य को बदलने जो बदल सकते हैं वो भगवान है। भगवान है को मैं नाम कर रहा हूं फिर रक्षक पालक की नेचुरली टेंडेंसी हमारा नहीं है इसलिए शास्त्र बोल रहे तुम समझो तुम्हारा रक्षक वही है पालक वही है प्रहलाद महाराज कभी प्रोटेक्शन नहीं मांगे हैं नर्सिंग देव उनको प्रोटेक्शन दिए समझ रहे हो ना हम हम प्रहलाद जैसे नहीं है इसलिए बोल रहे हैं नमस्ते नरसिंह आया हमारा इतना फेत नहीं है प्रहलाद महाराज कभी प्रोटेक्शन नहीं मांगे आप आइए मुझे रखा दीजिए नहीं रख्या कीजिए नरसिंह तो भगवान इसीलिए नहीं आए प्रहलाद को रक्षा कर लेकिन नहीं आए भागवत तो यही नहीं बोल रहे हैं हमारा आचार्य लोग भाव ले रहे हैं भगवान कितना भक्तवश्य भक्तों को रक्षा करने के लिए सत्यम विधातम निजभृत्य भाषितम का भाष भाषितम ठाकुर जी कैसे भी रखा कर सकते हैं प्रहलादी प्रहलाद जी को क्या गरुड़ गरुड़ में बैठा कर वो ने, ने ले सकते हैं हिरण निकसित में रहे ना तो भगवान का फ्लाइट ऐसा नहीं कि सैटेलाइट में क्या सैटेलाइट लगा देंगे क्या कुछ कर लेंगे वो गिर जाएगा गरुड़ आएगा उठा कर ले जाएगा तीसम समुद्रता प्रहलाद बोले है ना ठाकुर जी इधर है सत्यम विधा तुम निजृत्य भाषितम तब तो ठाकुर जी आए ह्लाद का भी प्रोटेक्शन नहीं मांगे लेकिन ठाकुर जी देते हैं ठाकुर जी देने वाले ये विश्वास हमारा नहीं है इसीलिए बोलते तुम विश्वास करो थी विश्वास मतलब मांगना नहीं तुम विश्वास करो तुम्हारे लिए प्रोटेक्शन है है भाग्य की नहीं है मेंटेनेंस भाग्य से नहीं भगवान दे रहे हैं समझ रहे हो ना प्रारब्ध के हिसाब से तो मिलता है लेकिन अभी प्रारब्ध काम नहीं करता है अभी भगवान के पास हम है वो कुछ ऐड कर हमारा गुरु जी करता है देखो ठाकुर जी चाहेंगे ना वो आड़ कर सकते हैं सबस्ट्रैक्ट भी कर सकते भाग्य से भी आड़ सब्सट्रैक्ट हो जाता है इसलिए कुंडली काम नहीं करता इधर काम नहीं करता है कुछ भी आड़ हो सकता है तुम तो जाओ आड़ हो जाएगा फिर अपराध करो सबस्ट्रैक्ट हो जाएगा हमको मांगना नहीं है ये हमारे लिए अरेंजमेंट है सिर्फ हमको विश्वास करना ठीक है ना ऐसे महाराज हम कल बात कर रहे थे क्लास में कि किसी कुछ प्रॉब्लम होती तो आपने कहा था कि चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु गुरु से हमें प्रे करना चाहिए क्या कर कमजोरी है क्या करना है तो बैलेंस जब माइंड बैलेंस नहीं होता छोड़ देंगे ना संध्या हमको हमको जब बोला जाता है कि तो तुम प्रे करो इसका मतलब है हमारा संध्या आ जाएगा गुरु कृष्ण संप्रदाय में इसमें तुम्हारा और भी नुकसान हो जाएगा ना कम से कम प्रार्थना करो मान लिया अरेजमेंट आ जाएगा प्रार्थना नहीं करने से अरेंजमेंट नहीं होता ऐसा नहीं है आ जाता है लेकिन हमारा संध्या बढ़ जाएगा अपराध पथ पर चले जाएंगे भजन छोड़ देंगे इसलिए प्रे करो प्रार्थना करो हमारा प्रार्थना के भाव है देखो मैं आपका सेवा करने के लिए कोशिश कर रहा हूं थोड़ा मुझे मदद कीजिए और भक्ति कभी कामना नहीं है कृष्ण भक्त निष्काम अतएव संत कर्मी ज्ञानी जोगी सकली असंत तो भक्ति भक्त भक्त भक्ति भक्त नहीं मांगता है अन्यभिलम इसका मतलब नहीं हम भक्ति नहीं मांगते है। हैं भक्ति मांगते हैं तो भक्ति क्यों का नहीं है बोलो जोगी सिद्धि मांगता है कर्मी कर्म का फल मांग, पुण्य मांगता है यानी मुक्ति तो भक्त भी भक्ति मांगता है तो भक्ति का मना क्यों नहीं है? भक्ति में भगवान का सुख होता है भगवान के लिए हम मांग रहे हैं इसीलिए कामना नहीं क्यों हम ठाकुर जी इतना भक्त देंगे उनका सेवा करेंगे उनका सुख इसीलिए वो कमना नहीं ठीक है हरे कृष्ण। oh, इतना प्रश्न है आप बोले इसको साउंड प्रभु जी को दीजिए वाले हैं साउंड वाइब्रेशन का कन्न में रहना चाहिए शब्द ब्रह्म <laughs> जी कहा से हैं प्रभु जी वाराणसी से महाराज पड़ा वाराणसी वाराणसी पंडित बोले हां हां मायवादी क्षेत्र भी था वो और महाप्रभु महाप्रभु गए सबको बोलो महाराज आप आखरी में बता रहे थे कि कैसे हमारा जो संघ है हमको उसके लिए बहुत मतलब सतर्क रहना चाहिए कि जिन जिनके अंदर गुरु के प्रति भक्ति है ऐसे वैष्णव का में संग लेना चाहिए और जिन में नहीं उनसे हमें दूर आना चाहिए तो बस दूर का मतलब अपराध नहीं करना चाहिए बार-बार डिस्टेंस रखना चाहिए क्लोजस्ट सेशन अंग्रेजी में बोलते हो उनको, उनका कोई सेवा मांगते ना, तो so, महाराज मैं बस ये जानना चाहता था कि कैसे मतलब हम, हम क्या लक्षण देख के हम समझ सकते हैं कि, कि किस किस हम इससे ढूंढना नहीं चाहिए ये तो अपराध धीर हो जाएगा शास्त्र में जो दिशा दिखाई देता है ना हमारे लिए है हम ढूंढेंगे कि कोई कोई गुरु भक्त है भाई वो गुरु भक्त है कि हमको कैसे पता चलेगा हम अगर भक्ति करेंगे ना हम गुरु जी से ममता है ना वो रिविल हो जाते शास्त्र में जो जो लक्षण है ना भक्त का लक्षण है ये ढूंढने के लिए नहीं हमार, हमारा हमारा शोधन के लिए वो कनिष्ठ अधिकारी है कि मध्यम अधिकारी है उत्तम ढूंढने के लिए नहीं हमारा अधिकार को सब्यस्त करने के लिए इसलिए कोई गुरु भक्ति है कि नहीं गुरु गुरु जी से ममता करते कि नहीं हमारा ममता हो जाएगा तो पता चल जाता है तो, तब तक तो, तो नहीं पता चलता है लेकिन एक्सटर्नल भी कुछ सिम्टम्स है जिस से पता चलता है उनका जीवन सिर्फ समर्पित है गुरु जी के लिए वो जीवन पर कोशिश कर रहा है खुद का सुख खाना पीना कोई जिम्मेदारी खुद का चिंता भी नहीं करता है सिर्फ गुरु जी के लिए कर रहे हैं उनका लक्षण क्या होता है ममत्व मेरापन है समझ रहे मेरा क्या है मेरापन में ड्यूटी नहीं होता है जैसे आज कोई नहीं पुजारी नहीं है ना उनका ममत्व तो है ना वो खुद भी पूरा दिन भर सेवा कर लेता है और मन में दुख भी नहीं होता है मेरा है जैसे पत्नी असुस्थ हो गए पति दिन भर न सेवा दिन भर सेवा करते फिर पत्नी का भी क्यार करते हैं ममत्व से पता चलता है कितना मेरापन कर रहा है अरे भजन का भी प्राण है जिनसे गुरु जी से ममत्व तो हवाना नहीं है कृष्ण से महत्व तो हवाना नहीं है भजन में नहीं होता है वो भी प्रोटेक्टर गुप्त तो स्टेज पर नहीं आ सकता है है ना ठीक है अभी रखो टाइम हो गया प्रसाद लेना है कितना भक्त लोग बैठे हैं एक है सबका तो एक है दो होता है क्या <laughs> किसका क्वेश्चन एक नहीं सब बोलते हमारा छोटा प्रश्न है प्रश्न कभी छोटा नहीं होता है बाबा जी लोग का प्रश्न कभी छोटा नहीं होता है <laughs> बोलो ना। ना। महाराज अपने कहा कि जो अन्य सॉरी अन्य गोप तृतीय वर्ण में इस स्तर पर जब आएं, आएंगे तो क्या फेवरेबल और क्या अनफेवरेबल है तब समझेगा इसका कनेक्शन मेरे को समझा नहीं क्या एक बार समझा सकते हैं जैसे तो भगवान को रखे तुम तो माने हो ना जैसे प्रहलाद महाराज का पर विपद आ रहा था वो क्यों नहीं सोचे कि ये अनफेवरेबल है क्यों नहीं सोचे तो भगवान के शरण ले शरण ले ऐसे जब चैलेंज आ जाता है ना हम सोचते हैं क्या मुझे कौन रखा करेगा मुझे कौन प्रोटेक्ट देगा हमारा विश्वास नहीं कि गुरु जी है ना जो मेरा प्रोटेक्टर है कोई लाठी लेकर कोई आता है वो क्या करता है वो भागता है मां जी मां जी बोलती है देखो मां तुम कहां हो मां तुम कहां हो उनको पता ही मैं रख्यक है मैं रक्षक है रक्षक है तो हर तो डरपन है थोड़ा लेकिन उनको पता है मेरा प्रोटेक्टर है हम ऐसा साधक नहीं कि हमारा डरपन नहीं है थोड़ा चैलेंज आता है हम डर जाते हैं लेकिन छोटा बच्चा को याद है उनका बिल्कुल दिमाग में मेरा माँ है अगर कुछ हो जाएगा ना माँ मुझे प्रोटेक्शन नहीं तो इसको बोलते हैं पहले माइंड में सेटअप करो मेरे मेंटेनेंस के लिए स्पिरिचुअल हो में, में और इसको यह लगेगा जो गो इसको सनातन ने लिखे <laughs> हमको इसमें लिखे अनचिंत ठाकुर जी भरण पोषण करेंगे इसको पूरा बुद्धि में रखना चाहिए उसका बात चलो है ना पहले सोचो क्या तुम जब जब कॉलेज में पढ़ रहे तो तुम्हारा कोई योजना था भक्त बनने के लिए माछ मछली छोड़ने के लिए कोई योजना था देखो छोटा छोटा बात पर समझना चाहिए भक्त तुमका अच्छा लग रहा था तो कौन लाए इधर कितने तुम्हारे फ्रेंड्स थे सबको तो प्रीचिंग कर रहे थे बाबा जी लोग तुम क्यों की, तुमको क्यों अच्छा लगा तुमको लाए कौन तो उसको पहले पीछे सोचो तो इसका, इसका मतलब है पीछे किसका योजना है जिनका योजना है जो लाए हैं वो जिम्मेदार लेंगे योजना में कुछ नहीं होता है कुछ है कोई किसका मास्टर प्लान है जिनका मास्टर प्लान है हमारा मास्टर प्लान नहीं चलता है मास्टर है हम नौकर है इसलिए नौकर का प्लान नहीं चला हम दुखी है वो मास्टर प्लान वो लाए हैं उनका मास्टर प्लान है हम नौकर होकर एक मास्टर प्लान बनाए हैं इसलिए वो फाइल में फाइल में रहता है हर समय फाइल में रहता है पियन वगैरह भी खुलते नहीं है समझ रहे हो ना पियन नहीं खुलता है पियन अगर खोल देंगे तो पियन सोचते हो ना नौकर जो खोल कर देंगे तो साइन लगाएंगे ना हमारा अभी तक कोई नहीं खुलता है ऐसे पड़े रहे हैं ये हमारा प्लान है मास्टर प्लान ये गुप्त तो ब्रांड नहीं ठीक है हरे कृष्णा ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय चैतन्य चरितामृत की जय श्रीला प्रभुपाद जी महाराज की जय राधा वृंदावन चंद्र गौर नित्यानंद जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय संवेद भक्त वृंद की जय नितय गौर प्रमानंदे हरि हरि <laughs> अरे कृष्णा ये हमारा परम सौभाग्य था कि पिछले चार दिनों से हम महाराज जी से शरणागति क्या है शरणागति कैसे लेना है उसके अंग क्या है लक्षण क्या है इसका महाराज जी बहुत विस्तार से बहुत आचार्यों के कमेंट्री से तैयारी करके यहाँ पर इतना सुंदरता से और महाराज की विशेषता है कि इतने गुण तत्व हैं आचार्यों की टीकाओं से लेते हैं और जो उदाहरण है वो एकदम व्यवहारिक और एक्सपीरियंशियल रहता है तो ये दोनों का समन्वय ये महाराज का बहुत विशेषता है और महाराज स्वयं उस चीज़ को जीवन में अप्लाई किया है इसलिए बहुत इफेक्टिव रहता है बहुत इससे बहुत प्रेरणा मिलती है तो अभी इसका जो अंतिम सत्र है ये कल होगा श्री श्री राधा कुंजी बिहारी मंदिर में सुबह आठ से नौ बजे तक तो ये पूरा सीरीज अटेंड करने के लिए वहाँ सभी भक्त लोग आ सकते हैं और हम महाराज का हार्दिक धन्यवाद देना चाहते हैं क्योंकि तो महाराज के लिए अभी रिक्वेस्ट पूरा दुनिया भर से आता है पूरा दुनिया के हर कॉन्टिनेंट से भारत में दिल्ली से लेकर के नीचे जुहू तक और कलकत्ता मायापुर से लेकर के पुणे तक तो महाराज जी फिर भी थोड़ा समय निकाल करके यहाँ पर अपना संग यहाँ पर दिया तो आइए महाराज जी का हम हार्दिक धन्यवाद देते हैं एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर हरे और महाराज जी से प्रार्थना करते हैं कि नियमित रूप से अपना संग देते रहे और हम सब भी प्रयास करें कि इसको केवल सुनकर नहीं छोड़ें इसको जीवन में लगाएं क्योंकि महाराज जी का ये हमेशा एक प्रयास रहता है कि केवल सुनना नहीं है उसको लगाना है सेवा करना है उसको समझना है उस भाव को जागृत करना है तो ये हमारा महाराज जी के आशीर्वाद के प्रति भी निवेदन है और हम भी प्रयास करेंगे और एक आज एक बुक लॉन्च है मैं रिक्वेस्ट करता हूँ श्रीमद सुंदर श्याम प्रू से यहाँ आने के लिए प्लीज कम तो ये एक डिवोशनल एनसाइक्लोपीडिया पुस्तक है इसमें सुंदर श्याम प्रभु ने एक टीम के साथ मिलकर प्रभुपा जी के जो छोटे बुक्स हैं केवल श्रीमद और चैतन्य चरतम को छोड़कर उनके आधार पर कुछ प्रश्नों को आ, बनाया है तो इसका उपयोग हम काउंसिल मीटिंग में या स्वयं बुक पढ़ के उन क्वेश्चनों को उत्तर देंगे तो और गहराई से उसको समझ सकते हैं तो ये प्रभु जी ने कंपाइल किया है इससे पहले वो एक हर महीने एक पुस्तक के ऊपर प्रश्नोत्तर लेते थे कई सालों तक तो उनको उन्होंने उसमें कंपाइल किया एडिट करके तो आज ये महाराज जी के हाथ से हम चाहते हैं कि इसका उद्घाटन हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम, राम हरे हरे था था था। तो आज स्पेशल लॉन्चिंग ऑफर है ऐसे ये जो पुस्तक है ये ढाई सौ रुपए की है लेकिन आज इस पे पचास रुपए का डिस्काउंट लेकिन दो सौ रुपए में आज लॉन्च ऑफर के लिए उपलब्ध है तो आप कॉपी ले सकते हैं अपने वॉइसिस के लिए काउंसिल के लिए इससे लोगों को भक्तों को प्रभुपत के ग्रंथों में प्रशिक्षण देना बहुत सरल हो जाएगा क्योंकि इससे पुस्तक पढ़ के थोड़ा उत्तर लिख के और गहराई से उसको समझ सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद हरे कृष्ण अभी सभी लोग प्रसाद ले सकते हैं हरे तो पीछे चरणामित डेस्क है जहां पर गुरु पूजा के समय चरणामित वितरण होता है वहां पर ये पुस्तक अभी उपलब्ध है वहां से आप कॉपी ले सकते हैं Thank you.